Assalamualaikum to everyone. Uh, कुछ चेहरे जो हैं वो शनासा हैं लिंकटिन के ऊपर फॉलो करते हैं लाइक्स वगैरह उनके तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से uh, मिलके कुछ से मुलाकात नीचे हो गई थी जब हम बात करेंगे लिंकटिन का तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान में जो एक परस्पेक्टिव है लिंकिन का वह कम्पलीटली डिफरेंट है और जब हम मैं आपको शेयर करूंगा कि बाय की मार्केट में चाहे वो दुबई है जर्मनी चाइना इटली फ्रांस यू के लोग वो किस तरीके से देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से वो लोग एक्सपेंड करते हैं कंटेंट राइटिंग वो लोग किस तरीके से करते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में लिंक की जो एजुकेशन है एक तरफ तो ब्रा नाम ट्रेनर्स हैं के जो नाम है नाम लिंकड कोच हैं लिंक की ट्रेनिंग कर देंगे आपको लेकिन उनको खुद भी इन डेप्थ नहीं पता कि ये प्लेटफॉर्म की असल एसेंस क्या है जिसकी वजह से जितने भी पाकिस्तानी हमारे अनफॉर्चुनेटली बाहर आते हैं तो वो सफर भी करते हैं जब लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो एक मेजर आप लोगों को होता होगा हमें कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हमें कोई आंसर नहीं कर रहा हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है हमें कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो उस पर भी हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से उस चीज़ को एनहेंस कर सकते हैं कि आपको रिप्लाईज आए और पाकिस्तान में रह के कि आप किस तरीके से जॉब सिक्योर कर सकते हैं अगर आपका दुबई ड्रीम है दुबई में जॉब करना या अगर आपने यूरोप में मूव करना है ठीक है तो लिंक इन पाकिस्तान के अंदर एक कंप्लीटी डिफरेंट तरीके से देखा जाता है बाय डिफरेंट तरीके से देखा जाता है तो मैं यहाँ पे हूँ आज तो हम बात करेंगे लिंक्डइन के हवाले से प्रोफाइलिंग के हवाले से लिंक के ऊपर आप किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं लोगों के साथ आप लोग किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं कौन से बैरियर्स हैं जो कि आपको लिमिट कर देते हैं किसी के साथ कनेक्ट करने में और ये वाद शायद प्लेटफॉर्म है जो कि पाकिस्तान में अगेन देखा जाता है कि ये जॉब्स और कैरियर के हवाले से है लेकिन इसके ऊपर भी जितनी पॉसिबिलिटी सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से है जो कि एक आम इंसान या पाकिस्तानी को नजर आती है कि सिर्फ सोशलाइजिंग फेसबुक के ऊपर होती है या इंस्टाग्राम के ऊपर होती है लिंक के ऊपर शायद बहुत ज़्यादा होती है और एक और थोड़ा सा मैं इससे पहले हम वो स्टार्ट करें अपना सेशन लिंक uh, के जो डायनामिक्स हैं लिंक के जो डिफरेंट टूल्स हैं लिंक की जो सेटिंग्स हैं प्रोफाइल की जो सेटिंग्स हैं उसके ऊपर हम लोग इतना गौर नहीं करते हैं ठीक है आप में से मुझे मुझे नहीं पता कितने लोगों ने अभी रिसेंटली जाके लिंक की सेटिंग्स देखी होंगी कि कितनी नई सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं क्या अपडेट्स आ चुकी हैं क्या नए टूल्स आ चुके हैं ठीक है जिसकी वजह से अगर आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपकी वो सेटिंग्स प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपको प्रॉपर जॉब्स आपकी जो जॉब्स का जो सेक्शन है होम पेज आपको रेलिवेंट जॉब शो नहीं हो रही है ठीक है तो लिंकिन का जो एल्गोरिदम भी बड़ा इस टाइम पे वर्कआउट करता है जो रेलिवेंस सेटिंग्स है आपकी प्रोफाइल की आपकी एंगेजमेंट जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं जिन पोस्ट के अंदर आप एंगेज कर रहे हैं किस टाइप का आप कमेंट कर रहे हैं कौन से कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं किन किन हैशटैग्स को आप फॉलो कर रहे हैं किन किन लोगों के साथ आप कनेक्टेड हैं ठीक है तो ये सारी चीजें मिलके आपको फेवर करती हैं आपकी नेक्स्ट पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहे वो जॉब है चाहे वो कनेक्शन है चाहे वो नेटवर्क एक्सपेंशन है चाहे आप जो फ्रेंड सर्कल को बड़ा करना चाह रहे हैं नए ग्रुप्स के अंदर एंगेज करना चाह रहे हैं तो रेलिवेंस इज ऑलवेज द की ऑन लिंक इन तो आज हम बात करेंगे लिंक इन प्रोफाइल के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो बेसिक से लेके एडवांस एल्गोरिदम कंटेंट राइटिंग फॉलोअर्स ग्रोथ नेटवर्क को किस तरीके से एक्सपेंड करना है बाय जॉब कैसे लेनी है रिक्रूटर ले लिए नहीं कर रहा एचआर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है आप अपनी प्रोफाइल के अंदर की कौन से और किस तरीके से ऐड कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करें आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग के अंदर ये सारे सवाल और भी कुछ भी एनीथिंग अबाउट लिंक जो भी आपके जेहन में है कोई बेसिक से लेके एडवांस एक्सपर्ट एडवांस जो भी आप लेवल ले लें तो आप फील फ्री टू आस्क एंड आई एम हे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको आंसर करूँगा और दुबई के अंदर जो है वो लिंक बहुत ही एक्टिवली यूज़ किया जाता है एक और रीज़न है कि पाकिस्तान से जब आ, मैं इसलिए आप लोगों को कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता लगे कि यह सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और एक और रीजन की वजह से कि जब आप यहाँ से बाहर जाते हैं चाहे वो बिजनेस ट्रिप है आपका जॉब सर्च का ट्रिप है आप किसी इवेंट पर जा रहे हैं तो वहां पर लोग पहले कनेक्ट होंगे लिंक के ऊपर ही डायरेक्ट वो जब लोगों से कनेक्ट होते हैं तो प्रोफाइल देखते हैं प्रोफाइल की पिक्चर मेजॉरिटी केसेस में अगर आप खुद भी देखेंगे तो वो एक पासपोर्ट साइज पिक्चर आपको नजर आएगी पीछे ब्लू बैकग्राउंड स्टैंडर्ड ठीक है आ, या वो पिक्चर होगी या कई दफ़ा एक वीडियो के अंदर भी मैंने ये बात की थी कई दफ़ा शादी के ऊपर बड़ी सी पिक्चर्स आती हैं वैसे लेकिन पीछे है ना वो लिटरली मैंने ये देखा है देगें पड़ी हुई हैं नज़र आई हैं सीरियसली और ये वीडियो के अंदर रिकॉर्ड है यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोडेड है और मैंने बात की हुई है इस चीज़ के ऊपर जो मैंने खुद देखा हुआ है ठीक है पीछे वो देगें दो तीन पड़ी हुई हैं ठीक है और कई ऐसे इंस्टेंसिस भी हैं कि जहाँ पर एक बंदे ने अपनी पिक्चर लगाई हुई है साथ एक और बंदा है ठीक है जिसकी बोटी मुंह से भी निकल रही है सीरियसली ये मैंने देखी है ये इफेक्ट्स क्योंकि जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं दुबई में या कुछ ऐसे सेशंस कर रहे हैं तो ये फिर क्रॉप करके इमेजेस हम दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में ऐसे मतलब प्रोफाइल्स ऐसे फेसेस हैं कि लोग फिर ये बात करते हैं कि जी हम सफर कर रहे हैं हमारी प्रोफाइल सफर कर रही है तो कंपेरिजन में आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए अभी शायद यही लगता होगा कि नहीं प्रोफाइल की जो पिक्चर है वो शायद पासपोर्ट साइज जो है ना वो बेस्ट है ठीक है लड़कियों को शायद यह गुमान होता होगा नहीं नहीं स्माइली पिक्चर नहीं लगानी है जो है ना लड़के जो है वो गलत इनवाइट सेंड करते हैं वो फ्रेंडशिप की तरफ आ जाते हैं ठीक है वो भी एक सेपरेट डिस्कशन है आ, लड़के जो है हम इतना टाइम नहीं लेते हैं वो हमें होता है कि बस एक पिक्चर एक पिक्चर अच्छी आ गई अगले दस साल बाद यही लगे हमारी राशि ही नहीं अच्छी आती ठीक है <laughs> तो आ गई नहीं तो उसके बाद कई दफ़ा होता है जी दाढ़ी रख लिया है लेकिन पिक्चर वही क्लीन शेव के अंदर है तो आपकी प्रोफाइल का इमेज तो जिस तरीके से आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट कर रही है हर साल इंसान भी डप्रिशिएट कर रहे हैं एज के साथ साथ और साथ साथ में उसके चेहरे के खदो खाल भी चेंज हो रहे होते हैं तो प्रोफाइल पिक्चर भी हर छः महीने के बाद एक चेंज आ जाता है ज़रा एक नया उसके अंदर फ्लेयर आ जाता है एनर्जी आ जाती है आपकी प्रोफाइल में और अगर आप चेंज करते रहेंगे ना तो वो आप जिस तरीके से गाड़ी के इंजन ऑयल चेंज करते रहें तो वो आप ख़ुद भी एक्साइट रहते हैं अपनी प्रोफाइल आप अपनी प्रोफाइल का कितना ख्याल रख लें बेसिकली ठीक है तो कंपैरिजन की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान या हम दुबई की बात कर लें तो उसके अंदर बातें थोड़ी सी रियलिस्टिक होंगी थोड़ी सी शायद आपको लगें कंट्रोवर्शियल भी हैं लेकिन ये फैक्ट्स हैं ठीक है थीके? जो कि आपको सुनने पड़ेंगे जो कि बियर करने पड़ेंगे और अगर आप बेहतरी की तरफ आना चाहते हैं लिंक के ऊपर तो आपको इन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा ठीक है तो आ, इस कंपैरिजन के अंदर कि ये जो पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल लिंक्डइन जिस तरीके से यूज किया जाता है बाहर किस तरीके से प्रोफाइल का कंप्लीट होना प्रोफाइल के डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको किस तरीके से यूज किया जा सकता है एनहेंस किया जा सकता है आपके फर्दर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए ठीक है तो उसके अंदर आज हम बात करेंगे एन एम ओपन इसमें ना काफी सारे पाकिस्तानी इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं ठीक है जब हम बात करते हैं उधर किसी और नेशनलिटी के साथ तो फिर हम उन चीजों को हाईलाइट करते हैं उनके कल्चरल पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्योंकि अभी आप बात हैं तो कोई पाकिस्तानी ही हैं जो कि बाहर जाना चाह रहे हैं और उन्होंने रिक्रूटर्स को कांटेक्ट किया है और रिक्रूटर कहते हैं हम पैसे लेके आपका इंटरव्यू करवा देंगे कई ऐसे स्कैम्स हैं जिसके अंदर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं कई दफ़ा इसमें तीन चीज़ें एक स्पैम तो ये है कि आप लोगों ने यहाँ से बैठ के अप्लाई कर रहे हैं और आपका ईमेल एड्रेस हैक हो गया है या आपको एक जॉब ऑफर आ जाएगी ठीक है और वो बड़ी फेक सी जॉब ऑफर एकदम शायद आपने कई ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई भी नहीं किया होगा ऑफर आ जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे इतनी सैलरी तो मुझे साल की पाकिस्तान में नहीं मिलती जितनी पर मंथ वहाँ की ऑफर कर रहे हैं पच्चीस हज़ार दे रहा तीस हज़ार दे और बैंक में से या एमरेट्स की तरफ से ऑफ़र आ जाएगी डुप्लीकेट करके चीज़ों को ठीक है एक तो ये स्पैम है नंबर टू स्पैम जो आपने मैंशन किया अभी कि आप उधर जाते हैं या यहाँ से जा रहे हैं या आपकी किसी से बात हुई है वहाँ जा कर ने आपको कहा जी हम तुम्हारा इंटरव्यू करवा देंगे तो उसके पैसे हैं तो ये ऐसी कोई चीज़ दुबई के अंदर नहीं है ऑल ओवर यू कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना ये लीगल है वहाँ पर कि पैसे लेके किसी का इंटरव्यू करवाया जाए हाँ जो पेड सर्विसेज हैं जॉब पोर्टल्स की जैसे लिंक की आप प्रीमियम सर्विसेज लेते हैं आप रिक्रूटर को रीच आउट कर सकते हैं इनमें ले कर वो एक सेपरेट वे है रिक्रूटर को रीच आउट करने का लेकिन अगर कोई बंदा ये कहे या कोई रिक्रूटर ये कहे या कोई भी कनेक्शन लिंकिन पे ये कहे कि जो है ना मैं आपसे सौ देर में लूँगा दो सौ देर में लूँगा मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा किसी से या मैं आपको इंटरव्यू करवा दूंगा एक तो आपके पैसे भी ज़ाये होंगे और दूसरी तरफ वो गारंटी नहीं है कि वो जॉब भी आपको मिलेगी या नहीं हाँ वो भी शायद अगले का दोस्त ही हो ठीक है सोधरम मेरा सोधरम तुम्हारा बस उसको ना इनवाइट कर लेना बातशाह कर लेना उसको ये होगा जी मैंने रिक्रूटर से मिल लिया है मैंने कंपनी के से मुलाकात होगी है मेरी तो वो बंदे की होप हम लोग वैसे भी जो पाकिस्तानी वो बड़ा इमोशनली बड़े कनेक्टेड हैं पाकिस्तान के जो है ना वो वो इमोशन यहाँ पे आ जाते हैं ना कि तो उस उसमें हम लोग वो बह जाते हैं और वो जाकिर खान है जाकिर खान है इंडिया का आपने कॉमेडियन देखा होगा वो कहने सख्त लोडा लेकिन पिघल गए <laughs> क्या <वो? laughs> तो वह उधर जाके लोग इन इन चक्रों में आके ना फंस जाते हैं क्योंकि जॉब हर किसी को चाहिए नौकरी हर किसी को चाहिए एफर्ट नहीं करेंगे लिंकिन के ऊपर ये शॉर्टकट वेस अपनाने की कोशिश करते हैं दो सौ दिनों में यार सौ दिनों में जहाँ पे मैं आता हूँ जहां पे हमने पाकिस्तान में कितना माना जहाँ पे लेट्स से अगर दो लाख रुपए की टिकट वीजा सब कुछ कर दिया और पहुंच गए दुबई तीन हजार रुपये दे के शायद बन जाए शायद लेकिन वो शायद की कोई गारंटी नहीं है ठीक है तो ये स्पैम है तो इस पे जाने की हर की जरूरत नहीं है प्रॉपर वेज है अगर आप जॉब सर्चिंग के हवाले से पूछेंगे तो मैं आपको उस डायरेक्शन में प्रॉपर गाइड कर दूंगा कि जॉब के लिए ही दुबई में आपको लिंक को किस तरीके से यूज़ करना है लेकिन ये अगर कोई आपको कहे कि हम पैसे लेके आपको इंटरव्यू करवा देंगे पैसे लेके आपको ये कर देंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है और ट कॉट अगर आप भी इस चीज का हिस्सा है तो आप पे भी कुछ ना कुछ एलिगेशन आ सकती है और खासतौर तो पर विजिट वीजे पे बिल्कुल भी कभी भी कोई ऐसी कमिटमेंट ना करें काम करने की भी जनरली जो है रिक्रूटर अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी भी रिक्रूटर्स हैं क्योंकि आप से काफी रिक्रूटर्स भी होंगे यहां पे और दुबई के भी रिक्रूटर्स हैं और फिर यूएस के भी रिक्रूटर्स हैं कल्चरली इंसान जो है ना आपको यह चीज बड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी कि इंसान के जो एक्शन हैं ना वो कल्चरली ड्रिवन होते हैं इमोशनली कल्चरली ड्रिवन होते हैं एक पाकिस्तानी होगा ना वो किसी लड़की की प्रोफाइल एक लड़की किसी लड़के की प्रोफाइल एज ए रिक्रूटर आप कुछ आप देख ना कुछ और चाह रहे हैं आपको मिल कुछ हो रहा है आपको मिल कुछ हो रहा है लेकिन आप देखना कुछ और चाह रहे हैं ठीक है तो आपको ये पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रिक्रूटर कौन है कहाँ से आ रहा है उसका कल्चर क्या है उसका ओरिजिन क्या है उसकी नेशनलिटी क्या है और वो किसकी प्रोफाइल को रिव्यू कर रहे हैं अगर आप यूरोपियन यूएस उन साइड की बात करेंगे वेस्टर्न उनको काम से मतलब है उन्हें डायरेक्ट प्रोफाइल पर जाना है उन्होंने एग्जैक्ट एक्सपीरियंस समरी सेक्शन उन्होंने देख के एजुकेशन कहाँ से बस कोई और नेशनलिटी क्या होगा वो मे भी शायद मोर ड्रिवन होगा प्रोफाइल की पिक्चर के ऊपर ठीक है एज के ऊपर कंप्लेक्शन के ऊपर नाम के ऊपर फिरके के ऊपर ठीक है बैकग्राउंड के ऊपर एज के ऊपर काफी सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं लेकिन अगर आप जनरली बात करें अगर, कोई अगर सर्च करता है या अगर आप के लिए के उपर, तो सबसे जो मैं, मैं है आपको हेल्प भी करेंगे जॉब में और इसी की एक्सटेंशन आपके क्वेश्चन की एक तो आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस ये नंबर वन थिंग है ये अगर नहीं आपकी प्रोफाइल क्योंकि एक तरफ तो आपको लिंक्डइन के एल्गोरिथम का नहीं पता ठीक है दूसरी तरफ लिंक्डइन इट कीप्स ऑन एडिंग न्यू एंड न्यू फीचर्स न्यू टूल्स न्यू सेक्शन इन योर प्रोफाइल जैसे वो हरूण भाई बड़े हैरान होते जब मैंने उनको रिकमेंडेशन का बताया था आप उसको किसी किसी यूज कर सकते हैं वो एक न्यू न्यू वे था एंड ही वर सरप्राइज तो एक तो आप अपनी प्रोफाइल को हमेशा हर वीक में आप बिलीव करें मेरे पास हर एक एक चीज़ का रिमाइंडर होता है मेरे पास इवन रिमाइंडर लगा हुआ है हर दो हफ्ते के बाद मुझे अपने मोबाइल का कैशेट डिलीट करना है डेली सुबह ग्यारह बजे और शाम सात बजे मेरा रिमाइंडर होता है कि मुझे अपने व्हाट्सअप स्टेटस के ऊपर मुझे अपने यूट्यूब के चैनल की एक वीडियो शेयर करनी है लिंक उठा के उसका कुछ कुछ ना कुछ शेयर करना है किसी की हेल्प हो जाएगी तो ये एक्सक्यूज़ के और मुझे पता नहीं लगा लिंक का नया फीचर आया कि नहीं आया कब आया मुझे आप रिमाइंडर लगा लें हर हर टू वीक्स के बाद आपको एक रिमाइंडर आ जाए और वो एवरी टू वीक्स उसको आप रिक्रंस के ऊपर लगा दें ठीक है हर टू वीक्स के बाद आप देखें प्रोफाइल में कोई नया सेक्शन ऐड किया उन्होंने नहीं किया नहीं किया तो इस ओके लेकिन आप अप टू डेट हैं आपके पास कोई एक्सक्यूजेज नहीं है तो प्रोफाइल की कंप्लीटनेस इज वन थिंग उसके फिर डिफरेंट सेक्शन है, है अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे एक एक सेक्शन को तो मैं उसमें चला जाऊंगा मोस्टली प्रोफाइल के अंदर मैंने भी ये देखा आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है ना उसमें लोगों ने इलेबोरेट किया होता है अपने एक्सपीरियंस की जो रिसेंट एक्सपीरियंस है ना वो इलेबोरेटेड नहीं होता या एक या दो एक्सपीरियंस जो इवन इंटर्नशिप भी होगी वो सिर्फ लिखा होगा इंटर्न एट डेस्कॉन इंजीनियरिंग पिछले दो एक्सपीरियंस दो एक्सपीरियंसेस अगर आपने पेप्सिको में काम किया है या किसी और कंपनी के साथ काम किया उसको थोड़ा बहुत आपने लेबोरेट कर दिया इंटर्नशिप को लेबोरेट नहीं किया हालांकि मेरे ख्याल से ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सेल कर सकते हैं कि एज एन इंटर्न आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लिए क्या क्या आपने डेवलपमेंट्स वहां पर की किस किस प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया उस चीज़ को भी लैबोरेट करें ये आपकी प्रोफाइल की जो कंप्लीटनेस है इसकी सिर्फ ये हर किस मतलब नहीं है कि सिर्फ आपने उसको भरना है इसके अंदर जो कीवर्ड्स की जो एडिशन है ठीक है उसके ऊपर भी प्लीज याद रखिए आप में से कोई सवाल कर ले कीवर्ड्स कैसे तो मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स आप किस तरीके से उसको इंस्टिल करेंगे अपनी प्रोफाइल के अंदर तो जो समरी का जो सेक्शन है उसको हमेशा उसको एलेबोरेट जितना कर सकें करें और अब लिंक ने तो ये नए फीचर्स दे दिए उसमें आप अपलोड मीडिया कर सकते हैं कोई भी आपका इवेंट जा रहा है आप उसी कंपनी के थ्रू आप कोई इवेंट पे जा रहे हैं या आपने कोई टॉक डिलीवर की है या आपने कोई अचीवमेंट किया कोई सर्टिफिकेट बेन किया तो उस चीज़ को अपलोड करें थोड़ी सी चीज़ें आपको एग्जैजरेट भी करनी पड़ेंगी लिंक के ऊपर ठीक है वो एक बुक थी एक मॉल ऑफ एमेंट्स में था मैं तो मुझे अभी भी याद है ये दो है या अठारह की बात है तो एक बुक रीडिंग का भी थोड़ा बहुत शौक रखता हूँ मैं तो एक किताब खोली तो उसके लकीली एक लाइन मुझे नजर आती है वो जैसे कि आपको जो है ना सक्सेस को भी थोड़ा सा फेक करना पड़ेगा अगर आप नहीं है वहां वहां तक लेकिन आपको बताना पड़ेगा मैं वहां पे हूं ताकि लोग मानना शुरू करें लोग आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करें आपको उतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी फिर ठीक है तो आप ये देखें कि जो आपकी प्रोफाइल की कंप्लीटनेस के अंदर जो एक्सपीरियंस का सेक्शन है उसको थोड़ा सा बयान करें अच्छे तरीके से ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज़्यादा एक्जैजरेट करें बट एक्सप्लेन करें अच्छे तरीके से ठीक है और थर्ड चीज़ जो कि आपकी प्रोफाइल की अगेन रिक्रूटर के परस्पेक्टिव में जो वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन थिंग है वो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो जो आपकी प्रोफाइल की पिक्चर है ना वो एक ऐसा इंप्रेशन है कि वो 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 फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट क्लिक है आपके पूरी प्रोफाइल के इमेज का ठीक है आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको एक हंसा मुस्कुराता चेहरा ना ब्राइट वहीं पर वो बड़ी चीज़ें कन्वे करता है और चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है आप कई लोगों ने बड़ी जो है ना एक एक आप कहें सीरियस पिक्चर लगाई होती है पैंट कोट पहन के जो है ना ठीक है कई लोगों का बड़ा स्माइली है कईयों के जो है ना वो इवन लड़कियों की मैंने देखी है पिक्चर वो नीचे बैठ के ना दीवार के साथ एक टांग लंबी एक टांग ऊपर हेडफोन लगाए हैं और ऊपर वन लव्स मी ठीक है ठीक है सी मत बता तो ये पिक्चर्स हैं ऐसे ठीक है लड़कों के भी साइड पोज आने लग गए हैं क्योंकि दड़ियों की शेप्स आ गई हैं आप हर एक चीज़ को पोस्ट कर सकते हैं ठीक है लिंक से अभी मेरी लास्ट वीक में कुछ था मैंने उनसे डिस्कस करा था एक दो चीज़ें तो उन्होंने मुझे कुछ लिंक्स शेयर किए थे जो कि लिंक ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन पेज के ऊपर कुछ इस तरीके से मैंशन है वहाँ पर और वहाँ पे जो लिंक्स उन्होंने मुझे शेयर किए थे उसके अंदर लिखा हुआ है उनकी साइट के ऊपर कि इट्स अ प्रोफेशनल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप अपनी सोशल लाइफ को भी शेयर कर सकते हैं ठीक है जहाँ पे आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये जॉब्स और कैरियर्स की बात होगी यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें अब देखिए जिस तरीके से नए नए टूल्स में आता हूँ आपको उस क्वेश्चन की तरफ नए नए टूल्स आ गए हैं अभी सिर्फ जो था वो आपके जहन में था जॉब्स और कैरियर्स की बात होगी लिंक के ऊपर बाद में आपने देखा अच्छा यहाँ पे तो लोग वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दिए हैं लोगों ने ठीक है आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर न्यूज़ फीड के अंदर आपको वीडियोस नज़र आती होंगी कुत्ते बिल्लियों की ठीक है ऊपर लोगों ने लिखा हुआ जो है ना ह्यूमैनिटी फर्स्ट ठीक है एक बतख जो है ना किसी को खाना खिला रही है और मिलियन व्यूज़ हैं ठीक है और ह्यूमैनिटी फर्स्ट लेकिन अगर लिंक इन पनिश नहीं कर रहा है इस चीज़ को सो so, सो so जिसमें दे आर एक्सेप्टिंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट लेकिन कॉन्टेंट की जो नेचर है वो मैटर करती है ठीक है आप आ, कोई वो अब, अबनोक्शिस नहीं है डेफेमेटरी नहीं है किसी को वो हैरस नहीं करा कॉन्टेंट उसके अंदर एक पॉजिटिविटी है अच्छी बात की गई है लोगों की सपोर्ट के लिए है ठीक है लोग उससे सीख सकते हैं इंस्पायर हो सकते हैं तो ये सारी चीज़ें वेलकम है तो अब आता है कि एंगेजमेंट की आपने बात की इसी क्वेश्चन के हवाले से आप कुछ भी शेयर कर सके लेकिन उसका कंटेंट आप उसको लिंक किस तरीके से कर रहे हैं ठीक है आप बात कर रहे हैं अगर एंगेजमेंट की और अगर आपकी आ, मतलब एक लड़की की अगर एक लड़के के साथ हो जाती है जो कि आईटी इंजीनियर है और शी ऑल्सो हैपन्स टू बी एन आई इंजीनियर ठीक है दोनों की एंगेजमेंट है तो आप आ, स, आ, स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से कॉन्टेंट के मतलब इट्स इट्स एन अपॉर्चुनिटी के मतलब एक लाइफ की तरफ एक अपॉर्चुनिटी वो जो कि हम एज अ मेरिड कपल हैं लेकिन दूसरी तरफ इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी कनेक्टेड विद द लाइक माइंडेड पीपल जहाँ पे हमारी जो आइडिया शेयरिंग है वी आर वर्किंग ऑन न्यू एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स टुगेदर यू नो मोबाइल कोई ऐप डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जा रहे हैं वी आर कमिंग अप विद न्यू क्रेजी आइडियाज ठीक है तो आप उसको लिंक कर सकते हैं उसी तरफ अगर आपके जहन में फिर भी यही है कि इसको हमें प्रोफेशनल या कैरियर की तरफ रखना है किसी ना किसी तरीके से आप उसको लिंक कर सकते हैं लोग सेल्फीज अपलोड करते हैं लोग अपनी वेडिंग एनिवर्सरी शेयर करते हैं यह बताने के लिए दिखाने के लिए कि वी आर टुगेदर अपनी सोशल लाइफ शेयर कर रहे हैं बेसिकली तो इसमें अगर आप खुद को लिमिट करेंगे तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को ही लिमिट कर रहे हैं वो एक अलग रीजन आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं शेयर करना चाहते हैं लेकिन अगर आप शेयर करेंगे तो इसमें कोई हार्म नहीं है हाँ इस माशरे में चीजें किसी और तरीके से देखी जाएंगी बाहर जाएंगे किसी चीज़ें किसी और तरीके से देखी जाएंगी तो ये क्वेश्चन आपका इसलिए बनता है क्योंकि यहां पे शायद लोगों को यही लगता है कि ये अलाउड नहीं है लोग बॉस या फायर कर देगा ठीक है कहेगा आपने इसकी पोस्ट पे कमेंट क्यों किया आप ढूंढ रहे हैं आपनेश ओपन टू वर्क किया हुआ है ठीक है फायर ठीक है फायर ओपन है चीजें ठीक है आपका राइट है जॉब ढूंढना आपका राइट है कमेंट करना आपकी अपनी सोशल लाइफ है ठीक है यहां पे वही क्लोज माइंडसेट है लेकिन फिर भी आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि बॉस को ना पता लगे वो एक अलग टॉपिक है कि आप आप वो अगेन हमें फिर वो शुरू में जाना पड़ेगा प्रोफाइल की आपकी सेटिंग्स ठीक है तो ये चीज़ें जो है आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और इसमें कोई वो शर्म नहीं आ रही जब आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको करना पड़ेगा आपको सामने आना पड़ेगा उस नॉइज में उस मीडिया के अंदर अपनी जो आपकी जो स्किल्स हैं उनको क्लेम करते हुए सामने आके कि ये मेरी स्किल्स हैं ये ये मैं कर सकती हूँ ये मेरे अचीवमेंट्स हैं दिस वट आई डू ऑन डेली बेसिस दिस आर द पीपल दैट आई कनेक्ट विद ये मेरे विचार हैं ठीक है ये मेरी वैल्यूज हैं ये मेरी लाइक्स हैं ये मेरे, हैं, ये मेरे आ, मतलब स्पोर्टिंग uh, कनेक्शन हैं इसी तरीके से जितना आप सामने आएंगे अब हम मूव भी उस डिजिटल uh, इकोनॉमी में इतनी हद तक कर चुके हैं पिछले दो साल में आपने देखा है लोगों ने पॉडकास्ट के थ्रू अर्निंग स्टार्ट कर दी लोग ने फ्री स्टार्ट कर दी लाइव ब्रॉडकास्ट के ऊपर लोग आ गए लोग सामने आ गए आने लगे और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मेरे ख्याल से इतनी अपॉर्चुनिटीज देता है आपको कि अगर आप खुद पीछे बैठे हैं ना अभी भी, खुद पीछे बैठे हैं तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारें मैं ये कहूँगा कि ए, उस उसी माइंड के साथ तो वो आप ग्रो नहीं करेंगे अब वो सॉइल के नीचे ही हैं बीज हैं जो कि कुंदन बन सकता है लेकिन वो आप दबे में ही अंदर ही उसी एक, ए, 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 उसी एनवायरमेंट अब उससे भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा अगर आप यूरोप में मूव करना चाह रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी लिमिटेशंस भी होंगे ठीक है यूरोप में आप किस साइड पे मूव करना चाह रहे हैं उसमें मे बी शायद लिंक इन भी आपको इतना हेल्प ना कर सके रीजन बीइंग आपके पास अगर आप जर्मनी में मूव करना चाह रहे हैं तो आपको जर्मन लैंग्वेज आप आनी चाहिए स्पेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए इटालियन फ्रेंच एक तो ये बैरियर है दूसरा बैरियर आपकी डिग्री कौन सी है क्या वो वहाँ पर उतनी इन डिमांड है कि नहीं आप ख़ासतौर पर जो इंजीनियर्स हैं आई से रिलेटेड जो लोग हैं उनको तो वो हाथों हाथ ले लेते ले हैं ठीक है क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम करना है वेब डेवलपमेंट करनी है फुल स्टैक डेवलपर्स हैं कोडिंग थ्रू आउट वो सेम है हम समझते हैं एच आर के हम लोग जो है ना यू नो बेस्ट रिक्रूटर्स हम एच आर बेस्ट पॉलिसीज लेकिन वो पाकिस्तान की हैं यूरोप के फ्रेमवर्क्स डिफरेंट हैं लोगों से वो लोग ट्रीट लोगों को डिफरेंट करते हैं मैं भी हसन के साथ बात करता है कि यहाँ पे अगर आप किसी को ई मेल लिखेंगे किसी ने ई मेल की अपने बॉस को डियर रिस्पेक्टेड मिस्टर सलीम प्लीज़ फाइंड अटैच दिस अटैच डॉक्यूमेंट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन उसने ये उसने जाके सिर्फ फाइल उसको घर सिर्फ फाइल से इससे नहीं है डियरिस्पेक्ट और इसमें कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है ये सिर्फ कल्चर है जिसको हमने मजहब बना लिया कि नहीं दिस इज द वे टू तो डू थिंग्स आप बाहर जाएंगे यूरोप में सीधा होगा डियर जॉन द फाइल इज अटैच बस उनको इन से नहीं है नहीं मेरे मेरे धीरे कमरे में अब और मैं यहाँ पे बात एक और कहता चलो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है जिसपे मैंने एक दफा पॉइंट भी उठाया था कि जो है ना पता नहीं अजीब सा कल्चर है जिसमें जो अवाम जो है ना हम लोग मतलब आप सारे उस उस उसमें इस 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 टाइम फील को अंडरस्टैंड कर सकेंगे जो है ना जी मालम जब्बा मरी तीन दिन लीडरशिप ट्रेनिंग <laughs> कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग जो है ना वो पहाड़ों पे जाके पैंतीस साल हो गए आपको कैरियर में तीस साल हो गए आपको मतलब तीस पैंतीस साल की एज है आपकी वो तीन दिन मरी में जाके आपकी कम्युनिकेशन क्या इंप्रूव हो जाएंगी जो कि आपकी कंपनी में रह कर नहीं इंप्रूव हो सकती दो दो लाख रुपया दे देंगे और मैंने लिंकडिन के ऊपर ये चीज़ बड़ी वायरल हुई थी मैंने कहा था जितने दो लाख रुपये आप देते हैं मरी में जाके वो आप दुबई का ट्रिप करें एक हफ्ते का कर लें आप देखेंगे कि जब वापस आएंगे आप देखेंगे कि मेरे कोलीग्स क्या कर रहे हैं इन इनकी मैंटेलिटी क्या है हम हाँ वो न उसी वो कुएं के मेंढक वाले शेल से नहीं बने तो उसी कल्चर का हिस्सा बनते जा रहे हैं बस वही वो वो क्वेश्चन मैं इनका खत्म कर दिया तो वो मार्केट प्रोफाइल जो है ना यूरोप पहले तो आप देख लें कि आपने जाना कहां परिमिटेशन है तो यूरोप में कुछ लिमिटेशंस हैं आपके डिग्री के लिहाज से भी लैंग्वेज स्किल्स के लिहाज से भी स्किल्स हैं नोडर आपके पास लेकिन मे बी यू आर बेटर कैंडिडेट इन अ डिफरेंट मार्केट अदर देन यूरोप अगर आपका प्रोफेशन एच है मार्केटिंग सेल्स है तो वो इतना हाई इन डिमांड नहीं है उसकी फर्दर रेस्ट्रिक्शन हैं ठीक है थीके? तो दुबई के अंदर वेलकम uh, करते हैं एच आर प्रोफेशनल्स को uh, मतलब आप देखेंगे जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज भी हैं वहाँ पर पाकिस्तानीज़ वो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशंस के ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं और सालों साल से बैठे हुए हैं और वो इंक्रेज भी करते हैं अपने पाकिस्तानी इंडियंस जो अपनी वर्क फोर्स है वो वहाँ पर आए वो जॉब करे जहाँ पर अगर आपकी सैलरी दो ढाई लाख है वहाँ पर आराम से आप छः से सात लाख पाकिस्तानी आप आपको मिल जाती है एज एज अ अ स्टार्टिंग सैलरी ठीक है लेकिन एक uh, मैं उसी तरह दोबारा था आपके क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट उसको भी आंसर करूंगा लेकिन अगर आप ये माइंडसेट रख के अपनी लिंक प्रोफाइल को बनाते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे आपकी पोजीशन डेजिग्नेशन हेड ऑफ़ एचआर है तो ये मेरी प्रोफाइल ठीक है दुबई में डिमांड है एच की आप जाते हैं तो आपको मे भी शायद हेड ऑफ एच ना मिले ठीक है लेकिन आपको मे भी शायद जॉब मिल जाए <coughs> से एच आर एच आर एसोसिएट सीनियर एच आर मैनेजर बिल्कुल तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा उस मार्केट में जो टाइटल्स हैं वो वो डिफरेंट है ठीक है लेकिन बाहर जाके आपको गर्स इससे सिर्फ ठीक <laughs> है बाहर बंदा इसलिए जाता है टाइट टाइटल ये पाकिस्तान की गेम है सिर्फ एज सर मै कम इन सर सर मै कम इन ठीक है तो वो प्रोफाइल बस खत नहीं खत्म करो अभी खत्म नहीं तो जो प्रोफाइल जो आपने बनानी है अगर वो दुबई के लिहाज से तो, तो आपको चीजों को सामने लेके आना पड़ेगा वो मार्केट बड़ी वाइब्रेंट है वहां पे चीजें जितना आप शो ऑफ इन अ पॉजिटिव वे जितना आप सामने लेके आएंगे ये मेरे पास स्किल्स हैं एम्प्लॉयर्स कोविड की वजह से काफी सारे जो हैं वो मर्ज हो चुके टू इन वन सेल्स एंड मार्केटिंग एसोसिएट सेल्स सेल्स और सोशल मीडिया के रोल्स को उन्होंने कंबाइन कर दिया एडमिन एंड फाइनेंस कोऑर्डिनेटर ठीक है इसी तरीके से आईटी के जो एक तो थे बैक एंड डेवेलपर फिर आपके फ्रंट एंड डेवलपर उन्होंने कंबाइन करके फुल स्टैक करके जी दोनों में आओ तो हमें हम आपको वो जो है ना वो जॉब ऑफर कर देंगे इसी तरीके से जो रिक्रूटर्स uh, हैं अगर आप में से कोई टेक रिक्रूटर का बैकग्राउंड है तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑपरचुनिटी इवन अगर आप आईटी में भी हैं एज एन आईटी इंजीनियर आप रिक्रूटमेंट के अंदर भी आ सकते हैं कई ऐसे मेरे जाने वाले जो कि उराकिल में आई बी डेल के अंदर है उनकी डिग्री जो है वो आई के अंदर है लाइक देर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लेकिन वो रिक्रूटमेंट में टेक रिक्रूटर हैं ठीक है तो रोल्स कंबाइन हो चुके हैं तो दुबई के लिए आपको चीज़ें प्रोफाइल कंप्लीट ऑब्वियसली अच्छा प्रोफाइल इमेज आपकी पिक्चर उसके अलावा फिर आपने सामने आना है वो एक वो और फिर डिस्कशन है लोगों के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे रिक्रूटर्स आपने दुबई में कैसे फाइंड आउट करना है हर फ्राइडे को मेरी एक पोस्ट होती है जुमे से पहले या अराउंड दस ग्यारह बजे कोई ना कोई मैं कुरान की एक आयत मैं जरूर शेयर करता हूं और उसका कंटेंट शेयर करने का मकसद ये है जो मैं मैं जो टेक्स लिखता हूँ ये लिखता हूँ कि विश मतलब हैप्पी फ्राइडे एवरीबॉडी विश यू द बेस्ट इन योर लाइफ एंड करियर एंड मे गॉड्स ब्लेसिंग बी विद यू ऑल कई लोगों ने बीच में मुझे शुरू में जब था ना यू शुड राइट अल्लाह ठीक है कई ऐसे फिलासफर्स हैं मेरा इतना इस्लामिकली मैं वो स्कॉलर नहीं हूँ कई लोगों ने uh, uh, कि मैं यहाँ पर नाम ही नहीं लेना चाहूँगा किसी का uh, खुदा के तो नाइन्टी नेम्स हैं ठीक है आप किसी भी नाम से उसको पुकार सकते हैं वो तो दिल दिल में रहते हैं ना अल्लाह ताला जो है आपके तो आप मेरा मानना है कि आप उनको गॉड कहें अल्लाह ताला लिख लें आप उसको ऑल माइटी कह लें ठीक है तो लेकिन जो इंटेंशन मेरी है वो मुझे पता है ठीक है दुनिया तो बातें करेगी करेगी लेकिन आपकी इंटेंशन आपको पता है कि आप क्या कहने जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप अल्लाह लिखते हैं तो वो ज़्यादा हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के साथ लोग समझते हैं कि ये जो है उनके लिए लिखी गई है पोस्ट या उनकी तरफ रेफ़र की गई है तो गॉड बेसिकली जो डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं ठीक है तो शुरू में लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया था बट आई कंटिन्यू रेट बाद में लोगों को समझे कि नाक की ये ठीक ही बात कर रहे हैं तो लोग समझना शुरू हो जाते हैं आपके पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ अभी तो ये हर फ्राइडे को मैं एक पोस्ट करता हूँ अपने पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या जो मेरे जो डिफरेंट कनेक्शंस uh, में जो के फॉरेन नेशनल्स हैं क्रिश्चियंस हैं हिंदुज्म uh, से हैं सिख हैं बुद्धिस्ट हैं ठीक है तो वो उनके लिए एक सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी है वो मे भी शायद वो आयत को ना पढ़ सके लेकिन वो जब टेक्स्ट को पढ़ते ना हैप्पी फ्राइडे एवरीवन विश यू गुड सक्सेस किसी ने अगर आपके बॉस ने आके आपसे हल्का सा कि यार अच्छा काम किया तुमने अब वैस वैस वैसे एनर्जाइज हो सकेंगे तो ये जो पोस्ट हैं वो पढ़ के भी लोग एनर्जाइज हो जाते हैं तो वो मैं डिफरेंट चीज़ें भी शेयर करता रहता हूँ बात आते हैं आपकी जो है ना पॉलिटिकल तरफ भी उस तरफ भी अभी रिसेंट एक एग्जांपल मैं अपनी दूंगा ये जो चैंपियनशिप हुई थी ओलंपिक्स उलंप, थे और उसके अंदर निराज चोपड़ा जो था वो उसने गोल्ड मेडल लिया था ठीक है अब मैं तो एक नेटवर्कर हूं सोशल सर्कल मेरा बड़ा है तो मुझे तो पूरी अपने फॉलोअर्स को साथ लेके चलना है ठीक है अगर तो आपकी नजर से गुजरी हो पोस्ट तो मैंने पोस्ट की थी और मैंने लिखा था कि मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन निराज चोपड़ा मतलब फॉर विनिंग द मेडल फॉर योर कंट्री एंड ब्ला नीचे हमारे शुरू हो गए पाकिस्तानी अर्शद नईम को क्यों नहीं किया अर्शन नईम नईम था नदीम अर्शद नदीम ठीक है यू शुड मेक अ पोस्ट अबाउट हिम यू शुड ठीक है अगर वो टॉप पे आता तो मैं उसकी कर देता मैंने तो एक अप्रिसिएशन किया जो जो फर्स्ट आया इसलिए ये जब क्रिकेट के मैच थे तो बड़े आए कि आप बात क्यों नहीं करें क्रिकेट के ऊपर लोगों का दिल जुड़ जाते हैं आपके साथ इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं लोग इसमें बात करें इसमें बात कर लेकिन मेरा था कि जब जो टीम जीतेगी मैं उसको कॉन्ग्रेचुएशन तो बाद में ऑस्ट्रेलिया जीती तो मैंने उनकी वो जो थी ग्रुप पिक्चर थी वो मैंने शेयर की वेल वेन ऑस्ट्रेलिया जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैंने लिखा था उससे लिखा था तो हाँ अब आप आपके क्वेश्चन की तरफ जो रिलीजियस पोलिटिकल इकोनॉमिकल या इस टाइप के जो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं अगर तो आप किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं या किसी एक आ, फिरके को ही सपोर्ट आप करते रहें ठीक है तो वो आप अपने आप को उस तरीके से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं कि मेरा मानना यही है जो इस बंदे का है या जो इस सेक्ट का है या जो इस रिलीजन का है या जो इस आ, स्टेट का है इस तरीके से लेकिन अगर आप जनरल बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कोई अमेरिका का कोई नया प्रेजिडेंट आता है ठीक है उसने कोई नई डेवलपमेंट्स की हैं तो मेरे ख्याल है इट्स ओके टू शेयर है कि मतलब एक्स वाई जेड कि जो है ना नई रिफॉर्म्स आई हैं एंड विश यू गुड लक ऑल अमेरिकन लब लब ठीक है कई दफ़ा इमरान खान की कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर मैं बड़ा अप्रिशिएट कर लेता हूँ उस इमरान खान की ही मोटिवेशन जो स्पीचेस हैं उनको निकाल के ठीक है एज अ वीडियो वो फॉर्म में मैं अपलोड करता हूँ तो बेसिकली आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है और साथ में आपने ये देखना है कि वो पोस्ट करने के बाद उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या होगा लोगों को उससे अच्छा मतलब मिलना चाहिए उन लोगों को लोग जो है ना बेसिकली वो हर्ट ना हो आपके कंटेंट से और अगर आप वहाँ पे अपनी एक एक तरीके से वो वर्ड उर्दू भड़ास निकालेंगे ठीक है <laughs> तो वो लोग जो है ना आपके अगेंस्ट होंगे ठीक है पोस्ट बेशक वायरल हो जाएगी लेकिन आप बड़ी सारी चीज़ें लूज कर देंगे उसमें इमेज भी, भी है, है ट्रस्ट भी है वो कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक फीचर तो आपके पास है ऑलरेडी कि आप उस कंटेंट को रिपोर्ट कर सकते हैं वो इमीडिएट एक्शन होगा ठीक है लेकिन वो लिंक इस तरीके से भी नहीं करेगा कि आपने रिपोर्ट की है तो वो साथ ही उन्होंने वो देखेंगे कि उसका कंटेंट का मकसद क्या है फॉर uh, एग्जाम्पल जैसे आप मेरी पोस्ट के ऊपर जाके रिपोर्ट करते हैं जो फ्राइडे वाली मैंने बताई है ठीक है वो मैं हर्ट नहीं कर रहा किसी को आप कहेंगे कि ये हैरेसमेंट है तो वो हैरेसमेंट है ही नहीं है ठीक है तो वो उसको फिर मैं एज अ डिस्प्यूट मैं उसको करूँगा कि ये आ, मतलब वो न, वो, न, वो नहीं है उस तरीके से ठीक है तो वो कॉन्टेंट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे वो रिलीजस पोलिटिकल या उस तरीके से है लेकिन आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं उसके थ्रू वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने देखा होगा ये जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर है ठीक है आप देखो वो कितना एक्टिव है ठीक है वो अपनी वीडियो शेयर कर रहा होता है कनाडा के अंदर जो है ना हम ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं ठीक है पॉलिटिशियन सामने आ गए वो बड़ा एक्टिव था मुझे नाम भूल गया उसका पता नहीं अच्छा ठीक है, है। थीके? 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 ए, वो अच्छा अच्छा एक और यूके के हैं लंदन के वो पाकिस्तान क्या नाम साकेब ठीक है वो देखें वो बात करते हैं लेकिन वो ये ना कि आपको उससे उसकी जो पोस्ट है वो आपको हर्ट नहीं कर रही है अगर वो ये बात करेगा कि जो है ना कंपैरिजन करके कि देखें जी हमने यूके में ईयरफॉर्म किया पाकिस्तान अभी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है ठीक है तब वो कॉन्ट्रोवर्शियल kont चीजें हैं तब आप हर्ट कर रहे हैं किसी और नेशन को किसी और आवाम को ठीक है डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं आने वाले कल की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जहां पर आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं पॉजिटिव चीजों से ठीक है कासिम अली शाह साहब की कई वीडियोज हैं ठीक है आप देखेंगे कि उनके अंदर जो बात उनकी बड़ी एक एक अच्छे तरीके से कन्वे होती है ठीक है वो चीज़ों को जब वो पिन पॉइंट करते न, पिन हैं ना वो पेन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान के लेकिन वो जिस खूबसूरती के साथ कन्वे करते हैं ठीक है वो अगले बंदे को भी मीठी गोली वो समझ भी जाता है वो खा भी लेता है असर भी हो जाता है उसको ठीक है लेकिन एक आम इंसान के लिए अगर आप वो सिर्फ एज अ कॉन्टेंट ही प्रोड्यूस कर दें ठीक है अगर वो डायरेक्ट ही बात करें तो शायद अवाम पता नहीं किस तरीके से ले लेकिन वो उन्हें पता है कि अवाम को क्या चाहिए किस तरीके से उनको उनके दिल में उतर के उनको समझाना है बात करनी है उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए तो कंटेंट भी इसी तरीके से पॉलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिकल आप शेयर करें फ्यूचर की डेवलपमेंट्स की बेहतरी की सपोर्ट करें चीज़ों को तो वो फिर आप उस तरीके से सामने आएंगे आपका इमेज भी लोगों के लिए एक एक तो जब आपको फ्री मिलता है ना तो हम वैसे ही क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान जो एक है क्वेश्चन है आपके उसको मैं लेके चलना चाहूँगा उस तरीके से आंसर करूँगा जो जो कोई भी चीज़ फ्री मिलती है ना फ्री है रेडी है ठीक है पकड़ लो ठीक है फ्री का ट्रिप कोई भी आ गया या कोई ऑफर आ गई तो है तो ना रेडी हैं ठीक है इवन लास्ट ईयर भी जब मैं ऐसा तो कुछ हमने सेशंस किए थे तो मैंने बात की थी कि हम रेडी हैं आप ये मौका कॉफे जाएँ मौका कैफ, कैफ आ, कैफे कॉफ़ी मौका कॉफ़ी कॉफ़ी uh, और बाकी जो है मैं मालूम पर आप महीने में तीन चार दिन तो बैठ जाते होंगे दोस्तों के साथ कोई दो तीन हज़ार तो गया आराम से ठीक है लिंक प्रीमियम की भी इतनी कॉस्ट है शायद ठीक है तीन हज़ार ठीक है या आपके दो के एफ सी के मील्स होंगे ग्यारह सौ बारह सौ बस इत, 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 इतनी सी कॉस्ट है एक पॉइंट यह है कि हमारी जो डेवलपमेंट है ना उसके ऊपर हम इन्वेस्ट करते हुए हमें जो है ना वो एक वर्ड है उर्दू का लेकिन बहुत मज़रत के साथ मौत पड़ती है ठीक है अपने ऊपर नहीं लगाना खाने पे लगा देना और पाकिस्तान में तीन चीजें बड़ी मशहूर हैं जी है ना पाकिस्तान में तीन चीजें बहुत पैद होती हैं खाना खाना पीना ते खाना पीना ठीक <laughs> है ठीक <laughs> है और वही यार बिजनेस की गल कर लिए वो करने रो, 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 रोटी पानी हो जाए बिजनेस की गल कर लेने खाना बड़े साहब आए खाना लगाओ ठीक है तो मेन जो चीज है ना एक, एक जो जो जनरल यूथ की जो बात करें अगर आप ठीक है कि खुद की डेवलपमेंट के ऊपर ठीक है वो इन्वेस्ट करते हुए हमें मौत पड़ती है कि नहीं यार उधर लगा देंगे मौका कैफे जाके वो काफी आप घर पर भी बना सकते हैं दो दफा नहीं पियेंगे महीने में कोई बड़ा नहीं हो जाएगा ठीक है ये कहने के बाद मैं तो आपके क्वेश्चन की तरह अब जो फ्री में मिलता है ना हमें तो सबसे पहली चीज ले तो लेते हैं साथ ही मोबाइल मु, में हम रिमाइंडर सेट करते हैं दो दिन पहले का और रिमाइंडर भी दो होते हैं अगर एक मिस भी हो जाए अगले दिन फिर भी मार्जिन हो कि रिमाइंड हो जाए कैंसिल करना है इससे पहले बैंक बैंकों काट जाए ठीक है और हाँ, तो और और आप और आपने क्या किया होता है वो जो ईमेल आपको आती है कि यू आर आप उसको जो है ना सेफ सेंटर लिस्ट में करते हैं ताकि जब आए तो मुझे आ जाए अच्छा लिंक जो प्रीमियम अकाउंट है ना वो उसके लिए तो पहले आपको उसको समझना पड़ेगा कि उसके फीचर्स क्या हैं उन फीचर्स को आप यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं और उन फीचर को यूटिलाइज करते हुए आपका जो मेन मकसद है लिंक के ऊपर जॉब सर्चिंग के हवाले से नेटवर्क एक्सपेंशन के हवाले से कंटेंट राइटिंग के हवाले से सोशल मीडिया के हवाले से जॉब्स के हवाले से ग्रोथ के हवाले से वो आप किस सिर्फ फिर आप उस प्रीमियम को उस तरीके से आप लेके चलेंगे ठीक है अब बात आती है कि लिंक प्रीमियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये एक आपका सेल्फ डिसीजन है ठीक है इसमें कोई फोर्स नहीं है वो लिंक इन ऑब्वियसली आपको पुश कर रहा होता है कि आप लें ये ब्लैक फ्राइडे की ऑफर है इस तरीके से तो अगर आप लेना चाहते हैं ले लें लेकिन इसके बिल्कुल फ़ायदे हैं लिंक प्रीमियम के ठीक है ये बिल्कुल इसी तरीके से है, जैसे आप किसी जॉब इनमेल है उसके अंदर पहले ये था जॉब एप्लीकेशंस के लिए जब आप सबमिट करते थे तो आपकी प्रोफाइल जैसे ना वो ऊपर रैंक होती थी और ऊपर शो होता था तो आप रिक्रूटर तो आपको शो होता होगा कि ये बंदा आ, वो उसका एक वर्ड यूज होता था अब नहीं है वो हाँ अब नहीं है फीचर्ड एप्लीकेंट फीचर्ड एप्लीकेंट था ठीक है लेकिन अभी भी लिंक के हाँ बेसिक पे लेकिन अब लिंक के प्रीमियम के बेनिफिट्स हैं बिल्कुल लेकिन पर्पज क्या है वो देखना है तो मुझे ये लगता है अब खैर फॉर एक्जाम्पल लिंक ने प्रीमियम बेनिफिट आपका ये है कि आपके थर्टी थाउजेंड कनेक्शन हो गए यहाँ भाई ठीक है लेकिन आप चाहते हैं कि लोग जो है ना मुझे फिर भी मैसेज कर सकें कनेक्ट तो नहीं कर पाएंगे आपके साथ थर्टी थाउजेंड लिमिट हो गई है ठीक है लेकिन आपका प्रीमियम अकाउंट है तो आपके पास एक फीचर ये है कि आप ऑन कर सकते हैं मैसेज का टैब वो एक सेपरेट मैसेज का टैब है जो आके आपकी प्रोफाइल के ऊपर इनेबल हो जाता है तो जितने ये लोग अगर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है ठीक है वो आपको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इनके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं भी है ये फिर भी आपको मैसेज कर सकते हैं तो अगर आप ओपन नेटवर्कर हैं अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सर्विसेज लें आपकी कंपनी के बारे में बात करें आपसे कोलेबोरेट करना चाह रहे हैं ठीक है तो आप वो विंडो ओपन कर सकते हैं कनेक्टिविटी की जैसे मैं बात करता हूँ अभी मेरा ट्वेंटी का जो मेरा मंत्र है वो ये कि टू बी मोर कनेक्टेड के जिस तरीके से हम मूव कर चुके हैं डिजिटल वर्ल्ड में तो वो प्रीमियम अकाउंट अगर तो आप लेना चाहते हैं लें ले, लेकिन आप उसको फिर लर्न करें कि उसको यूज किस तरीके से करना है तो अगर आप मुझे बताएंगे लेटर या बाद में कि आपका पर्पस क्या है तब मैं आपको प्रॉपर फिर उस तरीके से गाइड कर दूंगा लेकिन ऑब्वियसली उसके बेनिफिट्स हैं वो उन्होंने फीचर्स दिए हुए लेकिन हमने कभी यूज नहीं किए ना उस सिर्फ देखा तो हमें ये लगता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं हमें इतना ही पता है लिंटिन का जब आप वो यूज करेंगे प्रीमियम के फीचर्स तो आपको मजा आने लगेगा ठीक है इसी तरीके से गाड़ी से आप एफ से निकल के मेहरान में मेहरान से कल्टस में कल्टस से होंडा में एलेंट्रा में आप देखते रहेंगे कि ठीक है वो अप अपग्रेडेशन आप गाड़ी के अंदर आपने जो है इसी तरीके से देखे हैं आपका जो साउंड सिस्टम है ठीक है पहले वो कैसेट लगती थी फिर सीडी आ गई अब आपके गाड़ी में आप पूछते हैं यार ब्लूटूथ है बिल्टिन ठीक है फीचर है ना ठीक है फुल ऑप्शन है मिड ऑप्शन है बेसिक है तो उसी तरीके से लेकिन आपको वो फीचर का यूज आपको पता हो और आपका गोल क्या है लेकिन प्रीमियम अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिट ही है और यूरोप में वाकई ये लोग ज्यादा यूज करते हैं उसकी रीज़न दो ही हैं एक तो वो रिक्रूटमेंट लिंक के ऊपर बहुत ज्यादा करते हैं और सेकेंडली कि वो लोग भी लोगों से कनेक्ट होने के लिए भी दे आर मोर ओपन प्रीमियम अकाउंट आपको हेल्प करता है लोगों के साथ कनेक्ट करने में ऑब्वियसली लेकिन अगर आपको बेसिक वर्जन में भी कई ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि आपको पता हो तो आप अपने कनेक्शंस की ग्रोथ को भी इन्हेंस कर सकते हैं उसके मैं आपको तीन इजी आपको मैं टिप्स दे देता हूं जिसके तरीके से आप अपने अगर कनेक्शंस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं बेसिकली एज अ फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस को ठीक है सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें जो ग्रुप्स जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं लिंकटिन के अगर आप उनका हिस्सा बनते हैं ठीक है मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ जो लिंकटिन के ऊपर जो सबसे बड़ा ग्रुप है जॉब्स इन यूरोप का वो मेरा है पूरे लिंकटिन के ऊपर ठीक है ये मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा बन जाएगा ये मैंने 2014 में स्टार्ट किया था या 13 में इस टाइम उसके एक लाख तीस हज़ार मेबर्स हैं और इस ग्रुप के अंदर आपको तमाम यूरोपियन रिक्रूटर तमाम यूरोपियन रिक्रूटर्स मिलेंगे अब आप चाह रहे हैं कि मैं ना यूरोपियन रिक्रूटर के साथ अपना कनेक्शन सर्कल जरा एक्सपेंड करूँ किस तरीके से मैं करूँगा आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें सिर्फ आप लिखेंगे जॉब्स इन यूरोप ब्रैकेट में ई यूरोपियन यूनियन ई आपको पहला ग्रुप मेरा ही मिलेगा ठीक है आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें उसके अंदर आपकी एक्सेस है थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूटर्स जो कि डेली बेसिस के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं जॉब्स जिनको मैं खुद पर्सनली अप्रूव करता हूं अब बड़ा क्लीन ग्रुप है सिर्फ आपको जॉब्स मिलेगी वहां पे पूरे यूरोप की ठीक है अब आप क्वेश्चन की तरफ आप कहते हैं उनके साथ ठीक है एक्सपेंड से मतलब मैं ये ले रहा हूं कि आप उनको अपने नेटवर्क में एड करना चाहते हैं ठीक है, है? It's, तो ठीक हाँ, है आप उनको हाँ आप उनको एड करना चाहते हैं एड करना चाहते हैं अपने अकाउंट में ठीक है तो आप वहां पे जितने भी जो रिक्रूटर्स हैं या जब आप एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आप किसी को भी डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं चाहे वो सेकंड डिग्री है चाहे वो थर्ड डिग्री है आप उनको फ्री में मैसेज सेंड कर सकते हैं किसी को भी और आप कह सकते हैं कि आई सॉ योर पोस्ट इन दिस ग्रुप अब फिर जितने भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं आप लिंक के ऊपर मैक्सिमम पचास ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अब अगर हर ग्रुप के भी अगर आप दस दस हज़ार भी मेम्बर लगाएं तो 50 टाइम्स वन टेन थाउजेंड तो आप देख सकते हैं कितने तो दुबई के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिसके अस्सी हज़ार हैं तीन तीन लाख हैं तो हम उन ग्रुप का हिस्सा हैं शुरू से ही तो हमारे पास एक्सेस है मतलब हाँ हाँ वो बेस, बेसिक ये कि आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लें आपने जो है ना सिविल एविएशन के ग्रुप्स हैं फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट एंड प्रोजेक्ट्स के इंजीनियर्स के ग्रुप्स हैं एम एस एक्सेस के ग्रुप्स हैं लर्निंग एक्सेल के ग्रुप्स हैं बेसिक आपने पहले तो ये देख लेंगे मैं ये ज्यूम करूँ कि आपने सोच लिया कि आप कहाँ पे एक्सपेंड करना चाह रहे हैं किस टाइप के कनेक्शंस आप ऐड करना चाह रहे हैं उन ग्रुप के अंदर जाके जो मेंबर्स के एरिया में आप जाएंगे ठीक है तो ये अगर ग्रुप है तो यहाँ पे आपको जो है ना टॉप पे इधर होगा मेम्बर्स का एरिया ये थ्री डॉट्स होंगे आप इस पर जाके आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको इधर ना मेम्बर्स नजर आ जाएंगे सब आपको हर मेंबर के आगे यहाँ पे एक मैसेज का बटन नज़र आएगा आप सबको ये चाहे सेकेंड डिग्री है चाहे थर्ड डिग्री है आप इनको मैसेज कर सकते हैं हाँ, वो आपने देखना है, अच्छा क्वेश्चन है इस पर कई दफा अगर आप एक्सीड करेंगे limit, नहीं नहीं even hourly भी है अगर आप वो उसके को वो उसमें वो टच कर देगा तो वो एज अ करेगा हाईलाइट या अलर्ट के जो है ना ये कोई बॉट है जो किस तरीके से कर रहे हैं तो आपने मतलब एक नॉर्मल जो ह्यूमन की स्पीड होगी उसी से रखें ठीक है लेकिन आप प्रोफाइल को व्यू नहीं कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं ठीक है तो आपने एक, स्टैंडर्ड मैसेज बना लिए फॉर एग्जाम्पल जिसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं अगर आप ये जॉब्स इन यूरोप के ग्रुप के अंदर है तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे एक रिक्रूटर की पोस्ट है जो कि उसने जॉब लिखी हुई है अब आप इस रिक्रूटर के साथ सिर्फ कनेक्ट करना चाह रहे हैं जॉब के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी थ्री डॉट नजर आएगा इस पर क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको इधर मैसेज का बटन नजर आ जाएगा तो आप कहेंगे कि आई सॉ योर पोस्ट एंड जॉब्स इन यूरोप ग्रुप एंड यू हैव बीन वेरी एक्टिव एंड यू नो एक्टिवलाट अ ग्रेट टाइम विजिटिंग यूरोप एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इन योर कनेक्शन दैट्स इट ठीक है वो बाद में आप बंबार करेंगे अपनी सीवी ठीक है <laughs> जो भी उसने कभी नहीं पढ़नी लेकिन ये एक वे है आपको कनेक्शन में ऐड करने का यहां से भी आप मैसेज कर सकते हैं इंडिविजुअल को भी यहां से आप कर सकते हैं एक ये हो गया अच्छा नहीं तो आप छह छह बजे तक करते हैं तो वो तीन थे मेरे पॉइंट्स एक ये था जल्द जल्द ये खत्म कर दू नेक्स्ट uh, पॉइंट ये था कनेक्शन को एडवांस करने के लिए आप जो लोगों की जो पोस्ट है ना जो आपकी न्यूज फीड में शो हो रही होती हैं ठीक है न्यूज फीड में आपका कुछ भी जो शो हो रहा है ना बेसिकली वो आपकी प्रोफाइल की सेटिंग्स आपकी एक्टिविटी आपकी एंगेजमेंट आपकी प्रोफाइल की जो रेलिवेंस है वो इसीलिए आपको यहां पे कुछ शो हो रहा होता है ठीक है तो अगर इट्स इट्स वेरी लाइकली कि अगर आप इन कमेंट्स के अंदर इन लोगों की जो पोस्ट है उसके अंदर एंगेज करेंगे तो लोग आपको इन्वाइट सेंड करेंगे ठीक है बजाय इसके कि आप लोगों को रीच आउट करें एक एक को ओपन करके अगर आप किसी पोस्ट के अंदर एंगेज करते हैं कमेंट करते हैं लाइक करते हैं ठीक है तो वो आप इनवाइट कर रहे हैं ट्रैफिक अपनी प्रोफाइल की तरफ ठीक है ये दो हो गए और तीसरा अगेन जो अगर आप कनेक्शन को इन एक्सपेंड करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग की तरफ आएँ सामने आए थोड़ा सा नॉइज क्रिएट करें तो आप देखेंगे इन्वाइट्स आपको खुद ब खुद जो है ना वो आनी शुरू हो जाएंगी और इसी रेलिवेंस की तरफ अगर आप अपने लिंकड के होम पेज पर जाएंगे तो आपको इधर एक होगा डिस्कवर हैश टैग्स का टैब है उस पर जाएँ तो नेक्स्ट पेज पूरा ओपन होगा उसके अंदर ऑलरेडी ट्रेंडिंग हैश टैग जिस जिनके आठ लाख छः लाख चार लाख फॉलोअर्स हैं आपका जो है ना वर्क लेट्स से वो रिलेट करता है आ, सोशल मीडिया मार्केटिंग से उससे रेलिवेंट जितनेश टैग्स हैं आप उनको आपने फॉलो कर लिए अब वो सारे जो पोस्ट हैं उस हैश टैग से रिलेटेड वो आपकी न्यूज़ फीड में शो होंगी और फिर जब आप उनके साथ एंगेज करना शुरू करेंगे तो आप इन्वाइट करेंगे कनेक्शन को के वो आपको सेंड करें so, करें तो कि आप उनको करें। या थोड़ी सी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी अनलाइकली है इस प्लेटफॉर्म जो बात आती है की, तो आप कई दफा देखेंगे कि कुछ ऐसी पोस्ट है जहां पे लोगों ने ना हर वर्ड को हैशटैग किया होता है ठीक है लिखा हुआ है कि आई वेंट टू मरी फॉर दिस लीडरशिप ट्रेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग हैश टैग है नीचे लाइन में दो तीन उधर तो बड़ा एक एक डर्टी डिर्ट, पोस्ट लगती है हर सेंटेंस के दो तीन बड़ा मैसेजा लगता है ठीक है तो जो हैश टैग आपने यूज़ करने ना एक चीज़ देन में रखें कि तीन से मैक्सिमम पाँच हैश टैग्स दे आर मोर देन एनफ और उन हैश टैग्स को फिर आप कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं पहली लाइन आप हैश टैग्स की एज अ हेडलाइन लगा दें ठीक है फॉर एग्जाम्पल दुबई जॉब्स यू ए जॉब्स यू ए कैरियर्स रिक्रूटमेंट सफिशेंट हैश टैग्स फिर जो आपने पोस्ट लिखनी है वो आप लिख लें तो रही बात हैशटैग की वो तीन से पांच आप यूज कर सकते हैं किसी भी अगर आप उसको बीच में प्लेस करना चाहें आपके तीन पैराग्राफ्स हैं कोई की आपने पहले पैराग्राफ में हाईलाइट कर दिया है, हैशटैग को सेकेंड में थर्ड में कई दफा आप देखेंगे कि लिंक की जो इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस वो आपको बताती है कि जब जैसे आप लिखेंगे रिक्रूट तो आपको बता देगा रिक्रूटर लाइफ रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट uh, यू uh, वो आपको देता है तो आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हैं ये वो हैश हैं जो कि शायद ज़्यादा पॉपुलर हैं या ज़्यादा ट्रेंडिंग हैं क्योंकि ट्विटर की तरह तो शो नहीं होता ठीक है ज़्यादा हाँ पेज के ऊपर आपको वो मिलता है एक ट्रेंडिंग सेक्शन जहाँ पे आपको आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन तो हैश आप तीन से पाँच यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से आप उनको फिर प्लेस कर दें अब पोस्ट की लेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपके कॉन्टेंट के ऊपर अगर कोई बर्थडे है ठीक है तो आपने जो पिक्चर अपलोड की है चार पांच को लीग्स हैं आगे केक पड़ा हुआ है तो वो ऑलरेडी उस चीज जो कंटेंट आप लोगों को बताना चाह रहे हैं वो पिक्चर से ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है ठीक है उन्होंने ग्रेस्प कर लिए हाँ आपने और लोगों को अगर इन्वाइट करना है कि वो कॉन्टेंट आपका पढ़ें तो आप किसी तरीके से कर सकते हैं कि वो पिक्चर के अंदर लिख सकते हैं जो ये पिक्चर है तो आप यहां पे लिख सकते हैं कोई भी एक कैप्शन आप लिख सकते हैं कि देर इज अ गिफ्ट इन दिस पोस्ट ठीक है और आप एयरव लगा सकते हैं ऊपर ठीक है उसमें ये होगा कि लोग सी मोर पे क्लिक करके वो बीच में पढ़ सकते हैं बेसिकली आपने जो यूजर्स के जो एक्शन हैं वो आपने उनसे करवाने हैं कॉल टू एक्शन आपने उनसे करवाना है तो एक ये वे है ठीक है अब वो जो टेक्स्ट की जो लेंथ है अगर वो सिर्फ टेक्स्ट है सिर्फ अगेन uh, वो डिपेंड करेगा कि वो कंटेंट आपका किस टाइप का है आपने बात की सेलिब्रेशन की ठीक है कई दफ़ा आप बात कर सकते हैं जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं लीडरशिप ट्रेनिंग मरी के अंदर तीन दिन की जो आप करके आए हैं ठीक है चार पाँच लोग हैं पीछे लेकिन अब आपने कंटेंट आपने अच्छा लिखा हुआ है तो आप उसी पिक्चर के चार पांच लोग खड़े हैं ऐसे ठीक है या मैं यहां से सेल्फी लेता हूं ग्रेट सेशन एट कासिम अली शाह फाउंडेशन वी वी लर्न हमने वी लर्न अबाउट लिंकिन लेकिन मैं नीचे लिख दूंगा कैप्शन में पिक्चर के ऊपर बड़ा सा सेवन टिप्स यू शुड रिमेंबर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्ल्ड यूजिंग लिंकटिन ठीक है वो किसी को पता नहीं है जब तक वो पोस्ट नहीं पड़ेगा ठीक है वो वैसे भी जब आप लोगों को बताएंगे ना कि तुम ये चीज मिस कर रहे हो कि या तुम्हारे लिए यहाँ पे गिफ्ट है क्या उसको बोलते हैं क्लिक बेट ठीक है कि या आप इसको और थोड़ा एनहैंस करने के लिए एज अ पाकिस्तानी यू शुड नॉट डू दिस ऑन लिंकटेन ठीक है एज अ पाकिस्तानी दिज आर द फाइव टॉप लीडरशिप ट्रेनिंग या दिज फाइव टॉप लीडरशिप ट्रेनिंग विल गेट यू द न्यू जॉब हाउ टू इंप्रेस योर बॉस विद दिस फाइव लीडरशिप ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप टैक्टिक्स ठीक है हाउ टू अपियर एज अ लीडर इन फ्रंट ऑफ योर बॉस लिख के वो फिर सी मोर के अंदर आपने बुलेट्स लिखे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव वो वहां पे पढ़ लेंगे वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन है बिल्कुल बहुत ज्यादा आई कैचिंग होता है, होता है। हाँ और ये आपका बड़ा सा थैंक यू फॉर आस्किंग दिस और इसके अंदर अगर आपका पिक्चर नहीं है तो आप किस तरीके से फिर कॉन्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं कॉन्टेंट जो आपका लिखना है ये आपकी लिंक्ड का पोस्ट का सेक्शन है तो बेसिकली आपके पास जो है ना शुरू की आपके पास ये ना शुरू की पांच लाइनें जो है ना वो ये सामने शो होती हैं पहले तीन थी अब पांच हो गई हैं तो आप पोस्ट को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं वो बहुत मैटर करता है तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना इसको हम कहते हैं ये हुक है जब अगर आप टेक्स्ट पोस्ट है सिर्फ तो कोई बंदा न्यूज फीड में जा रहा है ठीक है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं दुबई जॉब की बात करता हूँ तो मैं यहीं पे पहला हुक ही होगा फॉर एग्जांपल डू यू वांट टू वर्क इन दुबई तो बंदा उधर ही एक आप रुक जाता है ठीक है ये लाइन फिर मैंने यहाँ पर फिर मैंने एंटर कर दिया ये लाइन मैंने छोड़ दी है ठीक है असल बात इधर है ठीक है ये हुक है फिर यहां पे फिर मैंने बात की कि ये हो गया डू यू वॉन्ट टू वर्क इन दुबई यहां पे मैंने लिख दिया दीज आर द फाइव टिप्स इफ यू आर ट्रेवलिंग इन यू टू गेट यूर जॉब इन ट्वेंटी ठीक है और यहां पर लिखा होगा फिर सी मोर ठीक है इस पर क्लिक करके फिर ये वन टू थ्री फोर फाइव इसके अंदर होंगी चीजें तो ये जो हुक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई लोग क्या करते हैं एकदम से एक्साइट हो जाते हैं कंटेंट आ गया कंटेंट आ गया वो वो पोस्ट कर देते हैं वो लोग इधर से पढ़ के जो है ना ठीक है जब तक आप उसको एज ए स्टोरी लाइन नहीं क्रिएट करेंगे एक्साइटमेंट नहीं बनाएंगे ठीक है आप किसी आई की कोई कंपनी आपकी ठीक है आप कोई नई डेवलपमेंट कर रहे हैं ठीक है या किसी नए प्रोजेक्ट या नई कोई ऐप लेके आ रहे हैं नए फीचर्स लेके आ रहे हैं तो आप हुक किस तरीके से लोगों से क्रिएट कर सकते हैं उनके इमोशनली उनके जो पेन पॉइंट्स हैं या वो जो सुनना चाहते हैं लेकिन आपने किसी को बताना है ठीक है ये इसी से आप शॉप में जाएँ तो वो किसी ने कहा था कि तीन मज़रत के साथ के जो है ना दो दो चीज़ें खुवातन का पाकिस्तान में एकदम से मूड चेंज कर देती हैं दो चीज़ें ठीक है जनरली किसी ने कहा था पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप कहें ना आई लव यू ठीक है वो फ़ौरन ही एक परस्पेक्टिव चेंज जाता है दूसरा जहाँ पर लिखो ना सेल डिस्काउंट फौरन फौरन ठीक है ना वो बैग छोड़ के बच्चे छोड़ के तो एक मैं जरा देखा हूँ एक मिनट है क्या ठीक है तो वो किस तरीके से आप ये हुक क्रिएट कर रहे हैं लोगों के लिए कि वो ये जाके पढ़ें ये जा, जाके देखें कई ऐसी वीडियोज़ हैं मेरी जहाँ पर हमने दुबई वीज़ की बात की है प्रोजेक्ट की बात की है तो वो मेन यही होती है कि आ, आ, न्यू वीज़ा फ़ॉर दुबई रेजिडेंस ठीक है वो न्यू वीज़ा क्या है ठीक है वो यहाँ पे है थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके मेन आपका इधर है कि वो आपको यहाँ पे जाना जैसे आपने मेरे मेरे ख्याल से हसन भाई ने वो शेयर किया होगा कोई इमेज बनाया था वो आपने शेयर किया होगा जैसे आपको पता लगा होगा हल्का सा कि हसन अच्छा लिंगडिन के बारे में बात कर रहे हैं हमें आज वो बात हो रही है इधर ठीक है वो आप लोगों के लिए हुक था यहाँ पे ये था हाँ तो मुलाज तो था था। हाँ. और तौर पर लिंक पे अगर आप ग्रो करना चाह रहे हैं कॉन्टेंट तो ज्यादा अगर आप जॉब्स की बात करेंगे जनरल इंटरेस्ट की बात करेंगे जो हर किसी की है तो आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी अच्छा तो कमिंग बैक उसको वाइंड अप करके अहमद भाई आपकी तरफ आता हूँ कि आप कॉन्टेंट लिख रहे हैं जो तानी ने भी बात की कि जो आपको पिक्टोरियल मैसेज है जैसे मैंने बताया कि आप कैप्शन लिख सकते हैं उसके अंदर कोई उसको थोड़ा सा फ्लेयर ऐड करने के लिए उसके अंदर या जो यूजर से आप एक्शन करवाना चाहते हैं या आप उनको पढ़वाना चाहते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि वो पढ़ें ठीक है तो वो आप पिक्चर के अंदर भी एक टिप आपको कि आप कैप्शन भी यूज कर सकते हैं पहली चीज तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप रख रहे हैं अपने आप को ठीक है वो देखना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्ट गोल क्या है लिंकिन के ऊपर ठीक है अगर आप एज अ ग्रेजुएट हैं और आपने अभी नस से कोई डिग्री कंप्लीट की है आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपने अपनी ही फादर का जो स्टार्टअप था आपने उसको ज्वाइन कर लिया या आपने अपना स्टार्टअप बना लिया रन कर लिया और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं विच इज़ ओके तीन चार साल आपने काम किया एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड अब अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं ठीक है तो लोग आपको किस तरीके से देखेंगे ठीक है उसमें आप बिल्कुल ये कर सकते हैं उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप किस मार्केट के अंदर जाना चाह रहे हैं अगर आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हैं तो बजाय इसके कि आप उसको सेल्फ एम्प्लॉयड रखें चार साल रखा आपने सेल्फ एम्प्लॉयड ओके लेकिन जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं अब ठीक है तब आप यह कर सकते हैं कि जो है ना मैं यहां पे एज uh, अग, अग, अगर लेट्स लैच्चा आपकी वो जो कंपनी थी वो मार्केटिंग सोशल मीडिया सर्विसेज प्रोवाइड करती थी तो उसी चीज को आप फिर पाकिस्तानी माशरे की बात करूं क्योंकि आपने लोगों को उस तरीके से डील करना है फिर तो आप उसी को ही एक्सपेंड कर सकते हैं आपने इस कंपनी को एज अ ज्वाइन किया एज एन इंटर्न दो साल आप जो है ना सोशल मीडिया एसोसिएट रहे उसके बाद आपने जो है ना सोशल मीडिया मैनेजर की पोजीशन ले ली जॉब आप सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया मैनेजर तो आपने उनको ये बिलीव करवाना है या उनके उनके माइंड से चलना है कि वो ये एक्सेप्ट करें हाँ या कोई स्टार्टअप कंपनी थी ठीक है जिसका ये हिस्सा था एज एन इंटर्न इसने ज्वाइन किया तो दो साल एज ऑ कोऑर्डिनेटर जॉब की तो आप उसको फिर उस तरीके से एक्सपेंड कर लें बजाय इसके सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड रखें उसको ठीक है uh, कॉन्फिडेंशियल कई, लो, कई लोग कई लोग इसलिए रखते हैं हाँ उसकी रीजन है उसकी रीजन है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल जैसे uh, दुबई के अंदर काफ़ी टाइम तक मैंने रखा हुआ था अपनी कंपनी को भी कॉन्फिडेंशियल उसमें यह था कि मेरी फॉलोइंग की वजह से कई लोग जो है ना वो ऑफिस आने लग गए थे ठीक है तो जिसकी वजह से मुझे उसको कॉन्फिडेंशियल करना पड़ा ठीक है कि uh, वो जो है ना ऑफिस इवन पाकिस्तान से भी Uh, कुछ लोग आए जो जॉब सर्च पे थे तो वो सुबह सात बजे आठ बजे ऑफिस के बाहर तो गार्ड में कहते सर आपसे पाकिस्तान से मिलने आई हैं मैं क्या मेरे से कौन कहते तो मैं गया तो सर हम आपको देखा है लिंकिन पर फॉलो कर रहे हैं uh, कई खोतिनों हजरात दोनों जो है ना तो uh, मुझे, मुझे मुझे अच्छा लगा इट्स इट्स एन अप्रिसिएशन फॉर मी लेकिन वो उसको मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कॉन्फिडेंशियल किया फॉर फॉर द टाइमिंग ठीक है एक कोर कॉन्टेक्स इसका यह है कि लो कॉन्फिडेंशियल करते हैं कि जब आप किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन आपको अलाउ नहीं करती कि आप उसको फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आर्मी के अंदर हैं जैसे आप किसी एटॉमिक uh, एनर्जी में है, या आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे ठीक है कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि uh, uh, अभी मंजरे यहाँ पे नहीं आने चाहिए ठीक है तो आप उसको ऐया नहीं करेंगे ठीक है तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं थर्ड आप कॉन्फिडेंशियल तब तक रख सकते हैं जैसे आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आप किसी और कंपनी में जॉब के लिए किसी रिक्रूटर से बात कर रहे हैं या किसी हरी मैनेजर से बात कर रहे हैं और आपकी कंपनी उनके कंपेटिटर्स में आ रही है ठीक है तो वो जो एक क्या कहते हैं इन्फ्लेंसड लोगों का जो डिसीजन है कि अच्छा ये तो के से मैक में, में आना चाह रहे हैं और के का तो एन्वायरमेंट ही ऐसा है ठीक है इधर के तो बंदे रखने नहीं है तो वो पहली डिसाइड कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले रिजेक्ट ठीक है तो कई लोग इसलिए भी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं कि एटलीस्ट बात स्टार्ट हो हम मिल लें मीटिंग हो जाए रिक्रूटर से एंड देन वी कि वहां पे जाके हम उनको बताएं पब्लिक करें कि हम इस कंपनी के साथ काम करते हैं तो देर इज ऑलवेज अ रीजन बिहाइंड मेकिंग योर करंट एम्प्लॉयर एज कॉन्फिडेंशियल दुबई जॉब के लिए जो है ना आपको उधर जाना ही पड़ेगा एक चीज़ तो ये है उसके अंदर भी काफ़ी कई वीडियोस के अंदर भी हमने बात की है एक चीज़ तो ये है कि वहाँ पे ऑलरेडी टैलेंटेड प्रोफेशनल इतने अवेलेबल हैं कि उनको वो नहीं चाहिए कि आप स्पेशल आए हैं पाकिस्तान से तो जो है ना या आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपकी डिग्री नस से है फास्ट से है तो आपको हायर कर लिया जाएगा नहीं ऑलरेडी वहाँ पर क्योंकि वो मार्केट है इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर जर्मनी बेल्जियम फ्रांस इटली स्पेन इंडिया अफ्रीका दुनिया मिडल ईस्ट अरब कंट्रीज साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया चाइनीज़ इंडोनेशियज इवन वो सब वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है तो एक चीज़ तो कि आपको वहाँ उस पूल में जाना पड़ेगा ठीक है और वहाँ के जो जॉब के डायनेमिक्स हैं जॉब किस तरीके से अप्लाई होती है डिफरेंट जो रिक्रूटर्स हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं डिफरेंट तरीके से वो लोग एवेलुट करते हैं चाहे वो आपकी लिंक लिंकन की प्रोफाइल है या चाहे आपकी वो जॉब की एप्लीकेशन है ठीक है तो एक चीज़ तो आपको जाना पड़ेगा ही उधर उस सर्कल का हिस्सा बनना पड़ेगा उस जॉब मार्केट का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि मुझे क्या बेहतर स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अपने आप को विन करने के लिए जो जो जॉब एप्लीकेशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं ठीक है दूसरी तरफ तीन चीजें बड़ी स्किल्स जो दुबई के अंदर मैंने देखी पिछले छः सवा छः साल के अंदर जो कि ज्यादा काउंट करती हैं वो है थ्री सीज आपकी कम्युनिकेशन ठीक है आपका बोलने का स्टाइल आपके बोलने का अंदाज ठीक है और आप उस चीज को फॉलो करें जो उस कल्चर के अंदर लोग एक्सपेक्ट करते हैं ठीक है अब वहां पे जाके वो ये कल्चर नहीं है रिस्पेक्टेड सर सर यस सर सर कोई नहीं है आप सीधा जाके आपका एक हाथ जेब में भी आपसे सीधा बात करें ठीक है बड़ा ओपन है वहां पे तो वो कल्चरली आप किस तरीके से उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि उनको एक होम वाली फीलिंग है उनके लिए भी कि आप कोई नए नहीं, नहीं है कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अपनी सीवी के अंदर लिखते हैं कि आएम कल्चरली अडेप्टल बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ कल्चरली अडेप्टेबल आप किसी और डिफरेंट कल्चर में रहे नहीं है अभी तक ठीक है तो कल्चरल अडेप्टेबिलिटी एज वन ऑफ योर स्किल वो नहीं है ठीक है तो आप किसी और चीज को आप कम्युनिकेट कर, करना चाह रहे हैं कल्चरल एडप्टेबल बट बट दिस दिस इज नॉट वन ऑफ योर स्किल सेट एज ऑफ नाउ ठीक है but, but this, this set, now, तो वो आप जब तक डिफरेंट कल्चर को दुबई के कल्चर को अंडरस्टैंड करें डिफरेंट लोगों को वो लोग कहाँ से आ रहे हैं ठीक है कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द की फिर आपका कॉन्फिडेंस ठीक है कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि आप किसी से बात कर सकें लेकिन बात करनी कैसे आपने ठीक है आपके सॉरी नॉट थ्री सीज कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और आपकी प्रेजेंटेशन ठीक है प्रेजेंटेशन ये भी नहीं सिर्फ सीवी की भी बल्कि ऑनलाइन आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी लोगों से बात करने के अंदर जो प्रेजेंटेशन है जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं आप मीटिंग को किस तरीके से या जो ऑनलाइन एक चैट है उसको किस तरीके से किक ऑफ कर रहे हैं लेकिन ऑल इन ऑल दुबई के अंदर जो अगर आप जॉब्स के लिए देख रहे हैं वहाँ पर जाना अगर आप मेरे से तीन पूछते हैं कि किस तरीके से हम जॉब ले सकते हैं एज अ पाकिस्तानी विजिट विजे के ऊपर जाके नंबर वन इज योर नेटवर्किंग अगर वहां पे आपका नेटवर्क स्ट्रांग है लोग आपको जानते हैं इन इन अ सेंस के लोग आपके नेटवर्क में हैं और वो लोग आपके नेटवर्क में हैं जिनको पता है आपकी स्किल्स का ताकि वो आगे किसी को रेफर कर सकें कई मैसेज आते है, हैं ई आती हैं जो है ना ये मेरी सीवी है हाय सिर्फ हाय हाय के बाद दो हफ्ते कोई जॉब नहीं ठीक है हाय हाई मैं मैं तो उसी हाई में रहता हूँ ठीक है हाय और कोई जॉब नहीं ठीक है फिर नीचे आएगा दोबारा ना हे हाय ठीक है कोई जवाब नहीं ठीक है फिर हमने भी छोड़ दिया जवाब देने से तो जब आप किसी को रीच आउट प्रॉपर मैसेज लिखें कन्वे करें बात बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ज़्यादा ना हो तो तीन चीज़ें आप दुबई जाए बिल्कुल नंबर वन थिंग आपका नेटवर्क आपके नेटवर्क में वो लोग ऐड करें जो कि फिर आपको जानते हो आपकी स्किल क्या है ताकि आगे किसी को रेफर कर सकें ठीक है नंबर टू जिस चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हैं जो कि आपके ऑलरेडी कनेक्शंस हैं जो कि आपके स्कूल मेट्स हैं आपके एलुमिनाएं बात यह ना कि हम लोग एफर्ट नहीं करते हैं इस तरफ हमें होता है कि बस हम जाएं हमारी डिग्री है हम जॉब के लिए बस अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा रिस्पांस तीन तीन हफ्ते नहीं आता चार हफ्ते नहीं आता ठीक है तो जो आपके एलुमिना है जो आपके कनेक्शन में लोग हैं जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में वो जिस तरीके से आपको गाइड करेंगे ना कोई और नहीं गाइड करेगा आपको ठीक है उन्हें आप आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग है उनके साथ फ्रेंडशिप है तो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे कि यार इस तरीके से अप्लाई कर लो इससे मिल लो ठीक है एक ट्रस्ट फैक्टर है वहां पर और थर्ड अगर मैं ये बात करूँ अगर आप दुबई में हैं तो आप देखें कि कौन से इवेंट्स हो रहे हैं आपकी जिस मंथ में आप जा रहे हैं वो आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे ख्याल से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप समझ लें कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उन तीन मंथ के ट्रिप्स के अंदर दो मंथ में एक महीने के अंदर जिनको आपने अटेंड करना है और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे और इतना कुछ आप सीख लेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव हो जाएगा आपकी कम्युनिकेशन भी हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि जो दुबई के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ठीक है दुबई एक्सपो अगर आप अगले तीन महीने का टाइम है और मेरे ख्याल से मार्च के बाद शायद मार्केट और कम्पेटेटिव हो जाएगी क्योंकि दुबई एक्सपो खत्म होने के बाद काफ़ी सारे लोग दोबारा मार्केट में आएंगे जॉब सर्चिंग के लिए क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर हुए पता नहीं किस तरीके से वो आगे चले गए लेकिन लुक्स लाइक के अप्रैल एंड ऑनवर्ड अप्रैल से आगे तीन चार पाँच महीने शायद थोड़ी सी और ज़्यादा कम्पटिटिव रहेगी लेकिन अभी जनवरी फेबरी मार्च जो है ना ये तीन महीने मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए भी वो जाके मतलब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं मरी जाके दो घंटे की लीडरशिप ट्रेनिंग से बेहतर है दुबई का चक्कर लगाएं, आपको देखेंगे आपका जेन किस तरीके से खुलेगा कुछ ना कुछ न्याय सीख के आएंगे वापस। वापिस के पेज के ऊपर उन्होंने ये है ना कि आप जो भी आपका पेज मैनेज करता है मैं डिफरेंट कंपनीज के पेज भी मैनेज करता हूँ एज अ प्रोजेक्ट तो पेज के ऊपर एक ऑप्शन है आपको मिलेगी एम्प्लॉइज की यहां पे, ठीक है एक और यहां पे एक ऑप्शन होती है जब आप पोस्ट करते हैं ना जैसे आप इनकी कंपनी में जॉब करते हैं ठीक है तो आप ये पेज मैनेज कर रहे हैं आपने ये पोस्ट कर दी है कोई जो है ना कोई नई ऐप डेवलपमेंट आपने की है आपने ये पोस्ट कर दी है अब आपके पास ये ऑप्शन है यहां पर आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो होगा इन्वाइट पेज इंप्लॉयिज ठीक है वो नोटिफिकेशन जाएगी ये सारे आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं पेज आप मैनेज कर रहे हैं तो इनको नोटिफिकेशन जाएगी कि पेज ने ये पोस्ट किया है तो बेसिकली लिंक ये टूल्स प्रोवाइड करता है कि लोग एंगेज हों लोग बात करें उस चीज़ के ठीक है तो ये मेरे ख्याल से एक एजुकेशन जो कंपनीज के जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको भी बताना चाहिए कि अगर आपको नोटिफिकेशन जाए हमारी तरफ से आपकी तरफ से इन सब को कि ये हमने पेज पे पोस्ट किए हैं इनक्रेज करें उन्हें कि आए शेयर करें कमेंट करें क्योंकि अगर ये जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं हर एक का दस दस भी कनेक्शन है ये अगर इस टाइम पे पचास लोग बैठे हैं शायद आपकी वन मिलियन की रीच इधर ही है आराम से ठीक है उनको एनकरेज करें कि प्लीज पोस्ट के अंदर उसको लाइक करें कमेंट करें शेयर करें ठीक है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी पोस्ट की एंगेजमेंट इंक्रीज करने में ठीक है यहां के ऊपर आप बात करते कंपनी की तरफ एज एन ओनर आप यहां पे आपको इंप्लॉय का टाइम मिलता है जहां पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं इंप्लॉयज की सक्सेस को ठीक है सिर्फ अपनी ही बात नहीं पेज के ऊपर ये सेक्शन है यहाँ पे सेपरेट आपके कौन से वेल परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ हैं आपके कौन से जो है नए कोई सेलिब्रेशन आपने किया मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा एवरी नाउ एंड देन आप कुछ ना कुछ अपने इंप्लॉइज़ के लिए बात कर सकते हैं हमारा वर्क कल्चर ये है ठीक है हमारे ये सेलिब्रेशन uh, ये इस टाइप की हैं यहाँ पे तो वो आप अपने इम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि हमारी भाई पोस्ट में जाके लाइक कमेंट एंड शेयर करो तो आप भी तो उन्हें कुछ इन रिटर्न दें अप्रीशिएट करें ऑफिशियल पेज के ऊपर वो फिर और ज़्यादा खुश होंगे दे मोर लाइकली कि वो अपनी पोस्ट को तो वाकई शायद स्क्रीन शॉट लेके आगे शेयर कर दें उस पोस्ट को भी शेयर करें लेकिन ये जो चीज़ है एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर अगर आप पेज मैनेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन मिलती है कि आप नोटिफाई करें कंपनी के एम्प्लॉज़ को ठीक है उसके अलावा अगर आप पेज की ब्रांडिंग की बात करें ग्रोथ की बात करें तो जो भी पेज मैनेज करता है वो आपको हर मंथ के क्रेडिट मिलते हैं कि आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं वो मेरे ख्याल से 100 या 200 क्रेडिट मिलते हैं कुछ है हंड्रेड क्रेडिट्स हैं तो वो उसका इजी हाल अगर बंदा मैं भूल गया पिछले महीने मोबाइल निकालें रिमाइंडर लगाएं हर तीस को जो आपको रिमाइंडर है तो वो यहाँ पे जो अगर एम्प्लॉय ने आपकी की है तो आप सिंपल आप उसका प्रूफ लेके स्क्रीनशॉट लेके आप उसको अपनी करंट एक्सपीरियंस की ये जो सेक्शन है एक्सपीरियंस का सेक्शन आप इस एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ इधर आता है अपलोड मीडिया तो आप यहाँ पे एज अ इमेज अपलोड कर सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए वही बात है जो हम पहले करते थोड़ा सा एग्जेजरेट पड़े बताना पड़ेगा ना या तो पता ही नहीं लगेगा किसी को तो इसके जो डिफरेंट टूल्स हैं आप उनको किसी ना किसी बड़े अच्छे तरीके से आप उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं और सामने लेके आ सकते हैं उन चीजों को अगर कोई एच मार्केटिंग का बजट डिजाइन कर रहा है तो मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो आपका से टोटल आपका पांच लाख रुपये की, की सैलरी सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जा रही है आपकी वर्क फोर्स पचास बंदों की है आप बिलीव करें थोड़ा सा अगर आप आपने बड़ी अच्छी बात की थोड़ा सा अगर आप उसको स्ट्रेटिकली देखेंगे ना टूल्स आपके सारे यहाँ पे हैं जो आपके पचास बंदे हैं ना अगर उनके लेट्स दस हजार भी कनेक्शन हैं तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे आपकी सिर्फ अपने कंटेंट पेज पर डालने इन लोगों को आपने एंगेज करवाना है अपने साथ आप देखेंगे उनको भी अप्रिशिएट करें आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है आपके ये जो पचास इंप्लॉयज है इनमें से भी कई लोग ऐसा ऐसा टैलेंट है इम्प्लॉज़ का जिनका कोई आ, किसी का कंटेंट क्रिएटर का होगा कोई अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है कोई अच्छा कैनवा के अंदर है ये मार्केटिंग पार्टनर तो खत्म ही हो चुका है इस टाइम पे जो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सामने आ चुके हैं मैं अपनी कंटेंट राइटिंग खुद करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सारी मेरी होती है वीडियो एडिटिंग सारी मेरी होती है डिग्री एच में लेकिन ये सारी स्किल्स ऐसे ऐसे डेवलप की हैं अब जिस भी इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं फाइव फाइव इन मान आप मेरे से मार्केटिंग करवा लें सोशल मीडिया करवा लें एच ले लें कम्युनिकेशन ले लें पब्लिक स्पीकिंग ले लें एज ए लिंक इन कोच एज ए सेपरेट किसी कंसल्टेंसी के साथ आप ले लें फाइव इन वन सिक्स इन वन जो भी है तो आप किस तरीके से अपने ही इंप्लॉयज़ को जो है ना आपको मार्केटिंग ड इंपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पेज आना चाहिए सोशल वो वो पता हो और आपके इंप्लॉइज की कैपेबिलिटीज़ क्या है उनको सामने लेके आए बताएं उनसे वन वन डिस्कशन करें उनसे पूछें तुम्हारे क्या स्किल्स हैं क्या है उनको यूज करें किसी तरीके से और उनके प्लेटफॉर्म्स को भी आप हाईजैक या ना पॉजिटिव वे कि आप यूज कर सकते हैं उनका जो फर्दर नेटवर्क है आपकी कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसज हैं ठीक है Uh, किसी बंदे ने ये बड़ा अच्छा कहा था इन्फ्लुंसर ही था शुरू में लास्ट uh, बात है कि अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं ना तो लोग लोगों से खरीदते हैं ठीक है वो कंपनी से जाके जो है ना या तो कंपनी का इमेज इतना बड़ा हो कि आपकी बॉन्डिंग वो रिलेशन बन हो एक नया स्टार्टअप है या नई कंपनी है या कोई आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि अगर आप अपने ही इम्प्लॉज़ को एंगेज करेंगे वो अगर आपकी बात कर रहे हैं एंडोर्स कर रहे हैं टेस्टिमोनियल्स हैं तो आपकी मार्केटिंग और ज़्यादा रैपिडली होगी ठीक है वो लोग ज़्यादा आपके पास आएंगे उस चीज़ को बाय करने के लिए परचेस करने के लिए आपसे कनेक्ट होंगे एक डिफरेंट स्केल पर जाके तो एम्प्लॉज़ को हम हमेशा बात करते हैं एम्प्लॉज एंगेजमेंट एच के खास तौर पर लोग इंप्लॉई एंगेजमेंट जो खुद कभी एंगेज नहीं करते लोगों के साथ ना, ना सोशलाइज करते हैं ठीक है तो, <laughs> तो आपको जो है ना अपने ये बुक, बुकिश किताबें हैं वो परसों तरसों में जब सेशन था तो मैंने ये बात की थी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है किताबें एच आर गैरी डेजलर मार्केटिंग स्टेफ एम पी रॉबिस फिलिप कॉटलर ये वो पाकिस्तान की मार्केटिंग का तरीका डायनामिक्स कुछ हो रहे हैं कल्चरल यहाँ पे शॉक्स कुछ हो रहे हैं जो पाकिस्तानी ऑथर्स हैं जिन्होंने इस मार्केट को स्टडी किया उनकी बुक्स हो ताकि जब यहाँ के ग्रेजुएट्स पाकिस्तानी मार्केट में जॉब करें तो वही चीज़ें एक्सपेक्ट करें आपको दिखाया जाता है मार्केटिंग के फोर पीस ये मॉडलिंग कॉरपोरेट जाते हैं आपको रगड़ा लगता है उन्हें यार वो कोई और चीज़ें पढ़ी थी इधर सेलिंग इस तरीके से होगी लोगों को जो है ना किसी और तरीके से बात करने पड़ेगा ये तो एक एक मॉरल एक और आप कह लें एक एथिकल वैल्यूज़ में आता है कि आप कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे और आप करेंगे भी नहीं क्योंकि आप खुद डरेंगे करते हुए मैं कल को कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकता कि मैं जो ना ए, 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 एक स्टार्टअप का ओनर हूँ या मैं जो ना टेक प्रोग्रामर हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ ठीक है हाँ मैं थोड़ा सा एग्जेजरेट ये कर सकता हूँ कि आई एम ए कॉन्टेंट क्रिएटर क्योंकि मैं उसको मैं हैंडल कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया मैं सोशल मीडिया को एग्जेजरेट कर सकता हूँ क्योंकि वो मैं प्रोजेक्ट्स में कर रहा हूँ उसमें मेरी डिग्री नहीं है बट आई कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स एंड आई एम डूइंग इट हाँ किया हुआ हाँ तो उस चीज़ को फिर आप हाईलाइट करें ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसमें डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ हैं आप लोगों के साथ कोलेबोरेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से फिर आप उसको एंगेज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर कहीं ना कहीं पे वो रिफ्लेक्ट चीज़ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो बंदा पढ़ रहा है या जो आपसे फ्यूचर में मीटिंग करेगा या इंटरव्यू करेगा या आपने किसी को एक्सप्लेन करना है फ़ोन पे जूम कॉल पे skype पे किसी इवेंट के ऊपर तो आप उस चीज़ को रेप्लीकेट कर सकें बता सकें आपके पास प्रूफ हो या इन्फॉर्मेशन हो हाँ क्या किया हुआ आपने ठीक है और दूसरी चीज़ जो आपका था लिंक लर्निंग का अगेन आपने पूछा था लिंक प्रीमियम का ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे ख्याल से लिंकड प्रीमियम का कि जहाँ पे आपको मैं हमेशा से बात करता हूँ कि लिंक यूनिवर्सिटी अगर कभी बनी ना ठीक है सो आई बी वन ऑफ इट्स फैकल्टी मेम्बर के वहाँ पर मुझे इत, इतना पसंद है ये प्लेटफॉर्म और इतने वो टूल्स देता है आपकी खुद की न सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किसी भी टॉपिक के ऊपर ठीक है तो ये लिंकड इन लर्निंग का जो फीचर है ये प्रीमियम आपके पास अकाउंट हो तो आपको एक्सेस मिल जाती है ये बेसिकली एक पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर ठीक है अब आपकी फील्ड एचआर की है पेरोल की है कुछ भी है मार्केटिंग से है फाइनेंस से है प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट आप जाएंगे उसके अंदर डिफरेंट आपको कोर्सेज मिलेंगे जो कि आप इस घर से ना करें कि आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर उसको वो एनलिस्ट कर सकेंगे ठीक है इस घर से देखें कि लोग जो नए नए कोर्सेज आ रहे हैं जो लोगों ने बात करने रिक्रूटमेंट के हवाले से आप देखेंगे जो डिग्री आपने की आज से मे बी पांच सात दस साल पहले की होगी रिक्रूटमेंट की और बुक्स भी जो पढ़ाई गई थी उस टाइम पे वो भी पांच सात साल उससे भी पहले की लिखी गई होंगी अब रिक्रूटमेंट किसी किसी चेंज हो चुका है इंडस्ट्रीज़ कोविड के हवाले से रिक्रूटमेंट के ट्रेंड्स काफ़ी शिफ्ट हो चुके हैं हायरिंग डिफरेंट हो चुकी है ठीक है उस, उस उसके नॉर्म्स डिफरेंट है ये डिजिटल इकोनॉमी में आने के बाद ठीक है जो कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है जब वो एक जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपने जो लिंकन लर्निंग के ऊपर आप रिक्रूटमेंट लिखेंगे हाउ टू हायर अ बेस्ट कैंडिडेट हाउ टू रिटेन एम्प्लॉयज़ इन कोविड नाइन्टीन आपको ऐसे टिप्स मिल जाएंगे स्ट्रेटजीज मिल जाएंगे जो कि आप इम्प्लाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको अगर आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें तो आपने वो कोर्स पढ़ा आधे घंटे का आपने किया ठीक है वो आपकी प्रोफाइल पे भी आ गया लेकिन आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिल गए अब जाके आप उसको अपने नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं कि आई जैसे टैंडिडा लिंक लिंक इन लर्निंग लिंक इन लर्निंग को आपने टैग कर दिया आपने लिख दिया कि आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स एनी वन इज रिक्रूटिंग इन 2022 ट्वेंटी टू मेक श्योर कि आप जो है ना इन पॉइंट्स को कंसिडर करें आपका कॉन्टेंट भी बन गया आपने पोस्ट भी कर दी अच्छी पोस्ट आपने की ठीक है और फिर आपने साथ में पॉइंट लिखने के बाद आपने अगर बॉस आपके ए, अच्छे हों ठीक है तो आप नीचे लिखते हैं कि आई फील प्रिवलेज टू बी पार्ट ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी दैट वी रिस्पेक्ट एंड वी डू एवरी पॉसिबल मई टू रिटेन आवर एम्प्लॉयज़ ठीक है एम्प्लॉयर को भी आपने हल्का सा क्या वो कहते हैं कवर कर दिया कूडोज कर दिया ठीक है तो वो लिंग इन लर्निंग का जो था ना आपका तो वो उस वो बहुत बड़ी एक गोल्ड माइन है ठीक है लेकिन अगर इंसान उस तरह उस तरीके से देखे तो आप देखें आप किस तरीके से सीख सकते हैं और फिर किसी इवेंट के ऊपर आप बात कर सकते हैं जाके ठीक है आप लिंक को ही सीख सकते हैं लिंक इन लर्निंग के प्लेटफॉर्म में जाके कोई नेक्स्ट इवेंट हो रहा है लाहौर के अंदर एच आर मीटअप हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आप देखें आप किस तरीके से वहाँ पे जब बात करेंगे ना आप नए नएस की प्रोसीजर्स की मॉडल्स की स्ट्रेटजीज की तो सारे आपको सुनने लग जाएंगे फ़ौरन बैठ के आज जैसे आप मुझे सुन रहे हैं कि मुझे पता है लिंक का ठीक है आप कह रहे होंगे भाई यार अच्छा नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना एचआर कल को आप एचआर नॉलेज कैफ़े ठीक है कहीं वो बैठ के जब बात करेंगे ना कि एचआर के ये रिसेंट ट्रेंड्स हैं तो तो लोग सुनना चाहेंगे फिर आपको क्योंकि आप नई बात कर रहे हैं तो वो उसमें जाके लेकिन लर्निंग में जाके आप बड़ा कुछ सीख सकते हैं